हेलो एवरीवन, तो आज आपका जो केम 03 है उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। अपना डीसीएम का जो केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है वो हम देखने जा रहे हैं। टॉपिक जो है वो मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको कह रहा है कि गिवन द नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो जरा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कौन सा, 161 सेंटीमीटर। तो भैया हमें ये पता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। दूसरा वाला आपको दे रखा है कौन सा, 0.161 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता है कि भैया जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, दिस 1, तो इससे पहले का जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें भी जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अपने पास 3 होंगे। फिर तीसरा आपको दे रखा है कौन सा, ये दे रखा भैया 0.0161, ये आपको दे रखा है। तो इसमें भी सेम टू सेम कंसेप्ट है, सेम टू सेम रूल लगेगा, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों जीरो जो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। इसमें भी जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया, ये अगेन जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर के कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जो है वो ये बोल रखा है इसमें कि इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपको एक कैलकुलेशन दी है, कैलकुलेशन कुछ यू है, 29.2 माइनस 20.2 और फिर इधर दिया है 1.79 एन टू 10 टू द पावर 3 एंड डिवाइड बाय 1.37। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको ये पूछा है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इसके फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, आपको ये पूछा है। तो इसके लिए जो है वो आपको इसको कैलकुलेट करने की या इसको जो है वो जोड़ बाकी गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है वो डायरेक्टली रूल समझो, रूल से आप जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है ना, देखो जरा कैसे, कि आपको यहां पर क्या करना है, जैसे ये वाला है तो इसमें जो है वो आपको क्या करना है भैया, माइनस करना है। ठीक है, और माइनस करूंगा तो यहां पर कितना आएगा भैया, 9.0। ठीक है, तो अब रूल क्या कहता है, रूल आपको ये कहता है कि भैया जब आप माइनस करते हो तो डेसिमल के बाद में जितने डिजिट होते हैं आपके आंसर में भी, डेसिमल के बाद में जिसमें मिनिमम डिजिट जितने होते हैं आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। तो भैया इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होनी चाहिए, यानी ये कितना आएगा अपने पास, 9.0 आएगा। तो अपने पास जो है वो 9.0, अब देखो जरा ये सारे के सारे मल्टीप्लाई और डिवाइड बन चुके हैं, और मल्टीप्लाइड और डिवाइड के केस में हम ये बोलते हैं कि भैया जिसमें आपको जो है वो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट देखने होते हैं, ठीक है ना, टोटल, तो टोटल जिसमें सबसे कम है ना उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो रिजल्ट में होना चाहिए। इसमें जो है वो कितने हैं, 2, ये वाला जीरो जो है वो अब सिग्निफिकेंट होगा, है ना, डेसिमल के बाद में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। इसमें जो है वो 3 है, इसमें भी 3 है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए भैया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो आंसर विल बी 2। आई होप आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का एक सैंपल आपको दिया है, हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कैल्शियम आपको 40% दिया है भैया जी, ये लो जी कैल्शियम जो है वो लिख के दे दिया, कितना, 40%। अरे हो जा यार, चल जा, तेरे को क्या दिक्कत है। कैल्शियम जो है वो दिया है कितना, 40%। ठीक है, फिर कार्बन जो है वो दिया है कितना, 12%, कार्बन दे दिया भैया 12%, और ऑक्सीजन जो है वो दिया है कितना, 48%। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रखा है कि इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लॉ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो जरा कि ये जो लॉ है ना, ये दिया था किसने, प्राउट ने दिया था, और प्राउट जो है वो ये कहता है कि भैया अपने पास कोई कंपाउंड है, मान लो उसको आप किसी भी मेथड से बना लो या किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर लो, उसका फॉर्मूला जो है वो ही रहने वाला है। कैसे भैया, देखो जरा एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मेरे पास वाटर है, H2O है, हा? तो H2O में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो क्या है, 2:16। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है,
रेशियो है। अब भैया वाटर को आप चाहे कैसे भी कलेक्ट करो, चाहे सीएलसी से कलेक्ट करो, चाहे तुम्हारे घर की टूटी से कलेक्ट कर लो, चाहे नाली से कलेक्ट कर लो, चाहे समुद्र से कलेक्ट कर लो, जो वाटर का फॉर्मूला है ना वो यही रहने वाला है। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो हमेशा 2:16 या 1:8 ही रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इज ट्रू देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेंड फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी। भैया देखो जरा कि कोई दूसरा सोर्स है जहां से अपन ने जो है वो 4 ग्राम सैंपल कलेक्ट किया है, किसका? CaCO3 का 4 ग्राम सैंपल जो है वो आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है। कहीं से भी कलेक्ट कर लो, परसेंटेज तो वो ही रहने वाला है, परसेंटेज तो चेंज होगा नहीं। तो भैया मैं क्या बोलूंगा, इस 4 ग्राम में भी कैल्शियम जो है वो कितना रहेगा, 4 ग्राम में भी कैल्शियम 40% ही रहेगा। तो 4 का 40% निकाल लो। हेलो जी, निकाल दिया 4 का 40%, हाँ कितना आ गया, 16.6 ग्राम। ये लो, इसमें कैल्शियम का अमाउंट कितना रहेगा, 1.6 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता है क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। इसमें आपको जो वो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो समझना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पूछ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता है। देखिएगा जरा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो भैया कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो मैं CaCO3 का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसको जब हीट करते हो, बचपन से करते आ रहे हो ये रिएक्शन, बचपन से लिखते आ रहे हो आप लोग, CaCO3 CaO + CO2, ठीक है। तो देखना जरा, इसका जो है वो स्टोइकोमेट्री कहती है, इसका 1 मोल, तो इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। इसके 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर, यानी कि 100 ग्राम। और इसके 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर, यानी कि 56 ग्राम। और इसके 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास, यानी कि 44 ग्राम, ठीक है। तो आप देखो जरा कि इधर टोटल मास कितना है, 100, और इस इधर टोटल मास कितना हो गया, इधर भी टोटल मास 100 ग्राम हो गया। तो ये ही क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उन पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लागू नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन पर ये चीज लागू नहीं होती। याद करो आप जब फिजिक्स में पढ़ते हो ना, मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर आप बोलते हो कि भैया न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अपन यही तो करवाते हैं, मास को एनर्जी में तो कन्वर्ट करते हैं। तो भैया यहां पर देखना जरा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। आपको ये दे रखा है कि भैया जी 12 ग्राम कार्बन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो तो 44 ग्राम CO2 बनेगी। चेक करते हैं बनती है कि नहीं बनती है। कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। भैया जी अगला पेज में निकाल लेता हूं पहले, ये लो, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि कार्बन हो गया, अबे यार कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये CO2 हो गया। तो भैया इसका 12 ग्राम और इसका 32 ग्राम चेक करते हैं। तो ये CO2 जो है वो इसका देखो जरा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो इसका भी 1 मोल, और इसके 1 मोल का मास कितना, 44 ग्राम। दोनों तरफ टोटल मास बराबर होना चाहिए, बिल्कुल जी हो सकता है। इधर भी कितना है टोटल मास, 44 ग्राम टोटल मास है, दोनों तरफ 44 है। तो मतलब ये है कि ये मास कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो कर सकता है। तो पहला तो ठीक है, मास कंजर्वेशन को फॉलो कर सकता है। दूसरा तीसरा भी चेक कर ही लेते हैं भैया, बाकी के भी चेक कर ही लेते हैं। देखिएगा जरा कि व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम देयर इज नो चेंज इन मास। भैया 12 ग्राम कार्बन को आपने क्या कर दिया, वैक्यूम में हीट कर दिया, तो कोई भी जो है वो मास में चेंज नहीं हुआ। देखिएगा हाँ भैया, तो सेकंड स्टेटमेंट अपने देखा कि भैया कार्बन को जो है वैक्यूम में हीट करेंगे तो बोल रहा कि मास जो है वो चेंज नहीं होगा। देखो किसी भी सब्सटेंस को आप कार्बन को वैक्यूम में हीट करो या फिर किसी लकड़ी को वैक्यूम में हीट कर दो, इसको बोलते हैं बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और जब डिस्टिलेशन होता है तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। हम जब भी मास कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही थी, यहाँ केमिकल रिएक्शन की बात नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो मास तो कंजर्व रहेगा, मास उतना ही रहेगा,
लेकिन भैया यहाँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होगी तो यहाँ पर हम नहीं मानेंगे इसको, ठीक है ना। आपको जो है जब ऐसा लगे, इसने बोला भी है कि बेस्ट एग्जाम्पल होना चाहिए, सबसे सही एग्जाम्पल कौन सा है, है ना। तो ये वाला तो होगा नहीं, द सैंपल ऑफ एयर इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बट इट्स मास रिमेंस अनअल्टर्ड। बिल्कुल भैया, ये भी पॉसिबल हो सकता है, मास जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वही कोई केमिकल प्रोसीजर यहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर अगला आपको बोल रहा है, द वेट ऑफ ए पीस ऑफ प्लेटिनम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग इन एयर। भैया देखो, पहली बात तो ये कि जो प्लेटिनम होता है ये ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ जो वो इनर्ट होता है, आसानी से रिएक्शन करता नहीं है। और अगर मान लो ज्यादा टेम्परेचर आपने इतना ही ज्यादा हीट कर दिया, तो भैया ये जो है वो किस में बदल जाएगा, अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा, प्लेटिनम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो जरा कि प्लेटिनम और इस प्लेटिनम ऑक्साइड का जो मास है ना वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। हाँ, आप अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि भैया प्लेटिनम बिफोर रिएक्शन मतलब प्लेटिनम प्लस ऑक्सीजन का मास ये बराबर होगा प्लेटिनम ऑक्साइड के मास के, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन ये बोला कि इस प्लेटिनम पीस का मास जो है वो प्लेटिनम ऑक्साइड के बराबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भैया ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, केवल फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है भैया, ये आपको दिया है कि 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। देखो तो भैया 1 AMU किसके बराबर है, तो AMU जो है वो क्या होता है, AMU ये हम बोलते हैं भैया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये अपने पास जो है वो क्या होता है, AMU होता है। और अगर मैं AMU को देखूं तो भैया हम एटॉमिक मास को जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, एटॉमिक मास जो है वो एक क्या होता है, रिलेटिव मास होता है। और किसके रिलेटिव में निकाला जाता है, ये कार्बन 12 के रिलेटिव में निकाला जाता है। हम क्या बोलते हैं कि कोई भी एटम है, जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना एटॉमिक मास, 16 AMU। तो इसका मतलब क्या होता है कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ये मान लो मेरे पास कार्बन 12 का जो है वो एक एटम है, इसके मेरे को जो है वो टोटल कितने हिस्से करने हैं, 12 हिस्से करने हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसका कौन सा पार्ट है, 12th पार्ट है। तो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ये इंडिकेट करता है कि जो है वो इसके 12th पार्ट से, कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना हैवी है। जैसे इसका 16 होता है तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 12वें भाग से 16 गुना भारी है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं। तो जो रिलेटिव मास या फिर एटॉमिक मास का जो स्केल है ये किस पर बेस्ड है, कार्बन 12 पर बेस्ड है। और इसका कौन सा पार्ट लेते हैं, 1/12 पार्ट अपन लेते हैं, या 12वां भाग इसका अपन लेते हैं। तो भैया AMU जो है वो किसके बराबर होता है, AMU जो है वो बेसिकली बराबर होता है 1/12 ऑफ C12, ठीक है। तो ये है अपने पास भैया क्वेश्चन नंबर 5। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको क्या कह रहा है कि व्हेन 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एंड 10 ml ऑफ 10 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, मतलब है कि जब 100 ml 1 मोलर NaOH विलयन को 10 ml 10 नॉर्मल H2SO4 विलयन में मिलाया जाता है तो बनने वाला विलयन कैसा होगा, तो सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा के न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, आपको ये चीज पूछ रहा है। ये देखो बहुत ही सीधा सा काम है, आप एक काम करो, देखो सबसे पहले आपको दे रखा है भैया 1 मोलर NaOH, ठीक है, और एक आपको दे रखा है भैया 10 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। और इसका जो है वो आपको दे रखा है कितना, 100 ml, और इसका आपको दे रखा है 10 ml। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एसिड और बेस को भैया जब भी आप साथ साथ रखोगे, ठीक है, रिएक्शन तो होके रहेगी, आप कितना भी रोकने की कोशिश करो रिएक्शन तो करके रहेंगे। तो भैया दोनों रिएक्शन करेंगे और भैया लड़ाई में जो जीतेगा ना सॉल्यूशन बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा। और लड़ाई जब होगी तो भैया NaOH और H2SO4, हमें इनके खाली ग्राम इक्विवेलेंट चेक करने हैं, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे वो लड़ाई में जीतेगा और सॉल्यूशन उसी के जैसा होगा। और भैया या फिर जो है वो अगर मान लो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आ गए तो भैया सॉल्यूशन जो है वो टोटल न्यूट्रल हो जाएगा। तो भैया ग्राम इक्विवेलेंट चेक करने का तरीका अपने पास ये रहता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास होता है भैया नॉर्मलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, सॉरी
वैलेंस फैक्टर नहीं, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये बोल दो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो मोलरिटी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों तरीकों से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, या एक और तरीका होता है अपने पास मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है, ध्यान रखना ये वॉल्यूम बेसिकली यहाँ पर लीटर में होना चाहिए, और दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर रहे हैं, तो भैया देखो जरा इसका वैलेंसी फैक्टर NaOH का कितना आएगा, एक, मोलरिटी वन, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो कितना है 100, अगर आप इधर 100 ml में ले रहे हो तो उधर भी ml में ले सकते हो, है ना, तो भैया इधर देखो, इधर आपको ऑलरेडी नॉर्मलिटी गिवन है कितनी 10, और ये कितना दे रखा है 10, तो भैया इधर भी 100 इधर भी 100, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो ये है भैया इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि 1.24 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम कंपाउंड, ठीक है, देन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, ठीक है भैया देखो जरा कि 1.24 ग्राम फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट है, किसमें है, 2.2 ग्राम कंपाउंड आपको दिया है, ठीक है, 2.2 ग्राम कंपाउंड आपको दिया है, और उसमें जो है 1.4 परसेंटेज निकाल लेता हूं मैं, तो परसेंटेज कैसे निकालूं भैया, क्या टोटल कितना है, टोटल है 2.2 और इसमें से 1.24 है, और मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो परसेंटेज इसको निकालोगे ऑलमोस्ट 56% के आसपास ये आएगा। अब आपको जो है वो इस पर पूछा है एम्पेरिकल फॉर्मूला, भैया ये देखो ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले तो अपन क्या लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेते हैं, P2S4, ये वाला भी एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में से चेक कर लो कि इतना परसेंटेज फॉस्फोरस जो है वो किसमें है, ठीक है, जितना भी आता है ये 56 के आसपास, तो इन दोनों में से चेक कर लो कि कितना परसेंटेज इसमें है, तो इसमें P4S3 में जो है वो 56 के आसपास परसेंटेज आएगा फॉस्फोरस का, ठीक है, तो ये है भैया अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट टू फोर्थ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, देखो जरा आपको मास का ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम A, B, C, and D। देखो मेरे को क्या करना भैया, मास निकालना है ना, और मास के ऑर्डर में इनको क्या करना है, बेसिकली अरेंज करना है। सबसे पहला है 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, तो अगर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास देखूं, भैया देखो कि O2 होता है, इसका हम मोलर मास कितना बताते हैं, 32 ग्राम, ये इसका मोलर मास होता है, ठीक है। अब 32 ग्राम जो है ना वो इसके NA मॉलिक्यूल्स का मास है, अवगाद्रो नंबर, हमें पता है कि किसी के भी एक मॉलिक्यूल, एक मोल में हमेशा NA मॉलिक्यूल होते हैं, तो 32 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल में NA मॉलिक्यूल, तो भैया ये जो है ये है अपने पास मास ऑफ NA मॉलिक्यूल, दिस इज मास ऑफ NA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मुझे तो एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो 32 डिवाइड बाई NA कर दो, या फिर एक मॉलिक्यूल के लिए हम इसको 32 AMU भी लिख सकते हैं। अगर मैं मोलर मास या एटॉमिक मास के आगे AMU लगाता हूं, तो ये इसके एक मॉलिक्यूल या एक एटम के मास को इंडिकेट करता है, और अगर मैं इसके आगे ग्राम लगा देता हूं, तो ये जो है वो इसके NA मॉलिक्यूल के मास को इंडिकेट करता है। और भैया 1 AMU, एक AMU जो है वो किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम के बराबर होता है, तो इसका मास जो आएगा ना अपने पास निकल के आएगा कितना, 32 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये अपने पास यहाँ पर पहले में मास निकल के आएगा। दूसरे में चेक करते हैं, 1 atom ऑफ नाइट्रोजन, अगेन वही बात, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 14 AMU, तो भैया देखो जरा कि 14 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, क्लियर। फिर आपको दे रखा है 1 × 10⁻¹⁰, ये जी मॉलिक्यूल, भैया देखो जरा कि ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है जी मोल, ठीक है ना, जहां पर ग्राम के जस्ट आगे पार्टिकल लिखा हुआ आए वहां पर उसका मीनिंग होता है मोल, तो ये जो है वो आपको इतने मोल दे रखे हैं ऑक्सीजन के, ठीक है ना, यानी कि आपको O2 के आप बोल सकते हो 10⁻¹⁰ मोल दे रखे हैं, तो 1 मोल का मास कितना होता है, 32 ग्राम, तो इतने मोल का मास कितना हो जाएगा, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 × 10⁻¹⁰, ठीक है, ये इतना ग्राम मास मेरे पास निकल के आया।
यहाँ पर दे रखा 1 × 10⁻¹⁰ ग्राम एटम ऑफ कॉपर। अगेन भैया वही चीज़ आ गई, ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल है, और भैया कॉपर के एक मोल का मास जो है वो कितना लेते हैं अपन, 63.5, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 63.5 × 10⁻¹⁰ ग्राम। ठीक, अब कंपेयर कर लो, बोलो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा तो अपने पास फोर्थ ही है, फोर्थ के पास कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, फिर थर्ड के बाद में इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, पहला है, फिर कौन है, सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है भैया 9, तो आपको बोल रखा है 9 नंबर क्वेश्चन, देखना ज़रा ध्यान से, यह है भैया कि रेशियो ऑफ CP एंड CV If a gas X is 1.4, अब ये क्वेश्चन जो है वो अब आप जो है वो DCM टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उम्मीद करते हैं भैया थोड़ा बहुत आप सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो चुके हैं। ठीक है, तो CP और CV का जो रेशियो है याद करो भैया, थर्मो क्या होता है, गामा पॉइजन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपको दे रखा कितना 1.4, बोलो कैसी गैस होगी, ये गैस होगी कैसी, डाई एटोमिक। ठीक है, तो ये डाई एटोमिक गैस के लिए जो 1.4 आता है, मोनो एटोमिक के लिए 1.67, ठीक है ना, ये आता है, तो ये जो है वो डाई एटोमिक गैस है अपने पास, तो मतलब ये है कि X जो है वो कैसी है, डाई एटोमिक है। तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस X प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ इट एट NTP है ना, तो भैया NTP पर आपको पूछा 11.2 लीटर गैस में कितने एटम होंगे। मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भैया, जब भी मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ ना आप, सबसे पहले मोल की कैलकुलेशन कर लो, जो भी चीज दी है, जो भी चीज पूछी है उससे, कुछ भी पूछा, कुछ भी दिया है, आप सबसे पहले मोल की कैलकुलेशन करो, मोल में कन्वर्ट कर लो, कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगा। जैसे 11.2 लीटर आपको दिया ना, तो मोल कितने आ गए मेरे पास, मोल आ जाएंगे भैया 11.2/22.4, कितना आ गया, हाफ मोल आ गया, आधा मोल आ गया, और आपको पूछा क्या है कि इसमें कितने एटम है, तो भैया इसका मतलब यह है, देखो जरा कि आधा मोल है, अगर मेरे पास 1 मोल होता तो मॉलिक्यूल कितने होते, Na, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमेशा पार्टिकल कितने होते हैं, Na पार्टिकल होते हैं, तो आधे मोल में कितने पार्टिकल हो जाएंगे, Na/2, तो मॉलिक्यूल मेरे पास आएंगे कितने, मॉलिक्यूल मेरे पास आ जाएंगे भैया Na/2, ये इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल अगर Na/2 आए हैं तो इसने तो क्या पूछा है, कितने एटम्स है ना, और अपनी गैस जो वो डाई एटॉमिक है, तो टोटल एटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल एटम्स, तो मेरे पास ये कितने आएंगे भैया, ये आ जाएंगे Na/2 × 2, ये हुआ कैंसिल, तो ये आएगा भैया Na। ठीक है, तो मतलब ये है कि 6.02 × 10⁻²⁰, ये अपना आंसर जाना चाहिए। तो भैया ये है क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ वी कंसिडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास, भैया ये क्या है, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे अभी मैंने आपको चर्चा करी थी ना, अभी बात करी थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो वो कार्बन के रिलेटिव में निकाला जाता है कि कार्बन के रेस्पेक्ट में वो चीज कितनी है। मास यूनिट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो, आपको ये बोलना चाहता है कि भैया अभी मैंने आपको क्या कहा था कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है, कि मेरे पास जो वो कार्बन 12 का एक एटम है, इसके आपको कितने हिस्से करने हैं भैया, 12 हिस्से करने हैं, तो किसी भी एलिमेंट का एक एटम इसके इस 12th पार्ट से कितने गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन दिस 12th पार्ट। ठीक है, तो कितने गुना भारी है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास बोलते हैं। और इसने बोला है कि भैया एक काम करो, ये 12th पार्ट मत लो, आप जो है वो कंज्यूम करो, आप जो है एज्यूम करो कि भैया बेसिकली जो है वो आपको 1/6th पार्ट लेना है, हाँ कौन सा पार्ट लो, 1/6th पार्ट लो, ये वाला। ठीक है, आप इसके साथ कंपेयर करो, तो भैया 1 मोल का मास पर क्या फर्क पड़ेगा, 1 मोल के मास पर क्या फर्क पड़ेगा, देखो भैया 1 मोल जब इसने डिफाइन कर दिया है, 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब होता है भैया Na पार्टिकल्स, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल, 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। भैया देखो आपने जो है ना ये स्केल चेंज किया है, आपने ये Na की वैल्यू थोड़ी ना बदली है ना,
तो भैया वन मोल का मास जो है वो वही रहेगा, वन मोल का मास जो है वो चेंज नहीं होगा, रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है ना। क्योंकि ये चेंज करते तो हो सकता था कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर दिया अगर वन मोल में, तो हो सकता था कि वन मोल का मास चेंज हो जाए, लेकिन भैया आपने तो स्केल चेंज किया है, रिलेटिव मास का स्केल चेंज किया है, वन मोल चेंज नहीं किया, वन मोल पार्टिकल चेंज नहीं किए, तो वो चेंज नहीं होगा। तो भैया ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपको बोल रहा है कि कैफीन हैज ए मॉलिकुलर वेट ऑफ 194 इफ इट कंटेंट 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। देखो जरा इसमें नाइट्रोजन है 28.9, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। देखो क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन का है, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो मैं बोलूं कि जैसे मान लो H2O है, ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आप कैसे निकालोगे कि टोटल मोलर मास कितना 18 में से हाइड्रोजन का हिस्सा कितना भैया, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये मेरे पास आ गया भैया परसेंटेज कंपोजिशन। आपको देखो इसमें से क्या क्या दिया है, आपको जो वो टोटल मोलर मास दिया है 18 दिया है, आपके पास जो है ये एटॉमिक मास है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है ना अपने पास, आपको ये वाली चीज़ पूछी है कि कितने एटम होंगे, मान लो एक्स एटम होंगे, और ये परसेंटेज जो है वो भी आपको गिवन है। तो मैं क्या करूँ, सीधा सा काम है भैया, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, मान लो एक्स एटम है, टोटल जो है वो मास कितना दे रखा है 194 × 100 दे रखा है, और ये जो है वो कितने के बराबर है 28.9 के बराबर है। यहाँ से आप एक्स निकालो, एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है ना। तो अपने पास जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर जो है ये बोल रहा है कि ए 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल, ध्यान से देखिएगा जरा कि आपको जो है ये बोल रखा है कि एक 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल अपने पास जो 400 मिलीग्राम का मतलब इतना ग्राम जो है वो आयरन का कैप्सूल है, आयरन कैप्सूल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें 100 ग्राम फेरस फ्यूमरेट है, यानी कि इस 400 में से 100 ग्राम जो है ना वो अपने पास ये है फेरस फ्यूमरेट, 100 ग्राम जो है वो है CHOO और ये 2 और ये Fe, ठीक है, ये 100 ग्राम है इसमें, ठीक है, मतलब 100 ग्राम नहीं सॉरी 100 मिलीग्राम है, ठीक है ना, 100 मिलीग्राम है फेरस फ्यूमरेट का, ये दे दिया भैया आपको 100 मिलीग्राम, ठीक है। फिर आपको ये बोल रहा है कि भैया द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इस 400 मिलीग्राम में आयरन का परसेंटेज जो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, चेक करते हैं भैया। आप देखो ज़रा इसका मोलर मास मैं निकाल लेता हूँ, तो इसका मोलर मास अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया भैया, 24 तो इसमें हो गया, और 32 इसका हो गया ऑक्सीजन का, और एक हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। तो टोटल जो है वो इसका अपने पास आ जाएगा इसका 56, तो लगभग 170, ठीक है। तो इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो मेरे पास कितना आएगा, 170। तो आप देखो ज़रा कि 170 ग्राम अगर मेरे पास इसका होगा, 170 ग्राम इसका होगा, तो 170 ग्राम में आयरन कितना है, 56 ग्राम, ठीक है, इसका पूरे का 170 ग्राम है तो आयरन 56 ग्राम होगा। तो इसका अगर 1 ग्राम मेरे पास होगा तो आयरन कितना होगा, तो हो जाएगा 56/170, भैया इसका 1 ग्राम होगा तो आयरन इतना होगा। अगर मेरे पास इसका 100 मिलीग्राम है, 100 मिलीग्राम का मतलब है कि भैया इतना ग्राम, तो इतने ग्राम में आयरन कितना है, तो 100 में जो है वो आयरन 100 × 10^-3 ग्राम में आयरन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56/170 और 100 × 10^-3, ठीक है। अब देखो ज़रा, कहने का मतलब है कि जो भी 400 मिलीग्राम है ना उसमें आयरन जो है वो टोटल इतना है, ये अपने पास आयरन आ गया, ठीक है। तो अब आपको तो क्या बताना है, आपको तो परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ज़रा कि परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ आयरन, तो आयरन कितना दे दिया भैया, टोटल अपने पास हो जाएगा कितना 56, ये जो है वो नीचे आ जाएगा कितना 1700, इतना आयरन है, और टोटल मास कितना 400 मिलीग्राम का मतलब कितना हो गया 10^-3 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये हुआ जी कैंसिल, ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 56,000, ठीक है, और नीचे आ जाएगा कितना 1700
और ये चार, ये अगेन कैंसिल हुआ, ठीक है। तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 8%, यानी कि एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो 8.2 आएगा, 8.2 के आसपास, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो इसने पूछा है तो 8% हो जाएगा। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आपको ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96 लीटर ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। भैया ये जो कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक्चुअल में जो है वो अपने पास कौन सी कंडीशन है, एनटीपी कंडीशन है, और एनटीपी की कंडीशन पर आपको जो है वो एक वॉल्यूम दे रखा है 8.96। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, मोल निकाल लो। मोल निकालूंगा तो कैसे, 8.96 और डिवाइड बाई इसको 22.4 से, ये मेरे पास मोल आ गए। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल में कितने होते हैं, वही एन ए। तो भैया इतने मोल में मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे अपने पास टोटल, तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एन ए से 22.4 और एन ए से 6.02 इंटू 10^23 है, ठीक है। तो भैया इसको सॉल्व करोगे 4 के आसपास और ये आएगा भैया अपने पास कितना, 24.08 इंटू 10^22, ठीक है। तो ये अपने पास इसमें फोर्थ ऑप्शन है, छोटा सा गुणा भाग आपको केवल इसमें करना है, कोई समझने वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा समझने की कोशिश करना, कि 3.6 ग्राम ऑक्साइड है मेटल लेफ्ट 3.2 ग्राम, ठीक है। देखो हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, मान लो मेटल ऑक्साइड जो है वो कुछ इस तरीके का है, M2OX टाइप, ठीक है। इसका रिडक्शन करवा दिया, अब रिडक्शन करवाया तो इधर क्या बच गई भैया, इधर मेटल बच गई, ठीक है। इसका आपको जो है वो दे रखा है कितना, 3.6 ग्राम, और जब रिडक्शन करवाया तो सारी ऑक्सीजन बाहर और मेटल जो है वो बच जाएगी, तो मेटल कितनी है, 3.2 ग्राम मेटल जो है वो इसमें बच गई। आगे बोल रहा है इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल, यानी इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है। देखो मिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है भैया, ये अपने पास होती है m/2, मोलर मास या एटॉमिक मास बाय 2। तो m की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, क्लियर है। तो 2 × वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है 32, तो ये कितना आएगा 64, यानी कि जो मेटल है उसका एटॉमिक मास कितना है, 64 है, ठीक है। अब देखो आपको पूछ रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड वुड बी, अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी आ ही जाएगा। अब देखना कि भैया यहाँ से 3.6 और यहाँ पर जो है मेटल कितना है, इसमें से 3.2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है वो 3.2 तो मेटल है और 0.4 जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। मैं इक्विवेलेंट मास निकाल लेता हूँ मेटल का, देखिएगा जरा कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जो है मैं क्या करूँगा, के 0.4 ग्राम तो ऑक्सीजन का है और 0.4 ग्राम जो है वो कितने से जुड़ रहा है, 3.2 ग्राम मेटल के साथ जुड़ रहा है। तो इसका 1 ग्राम होगा ऑक्सीजन का, 1 ग्राम ये कितने के साथ जुड़ेगा, 3.2 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है। 1 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो इतने ग्राम मेटल के साथ जुड़ेगी, यानी कि कितने ग्राम, 8 ग्राम के साथ जुड़ेगी। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन ये कितने ग्राम मेटल के साथ जुड़ेगी, तो ये जुड़ेगी 8×8 यानी कि 64 ग्राम मेटल के साथ जुड़ेगी। और ऑक्सीजन का वो मास जो किसी भी एलिमेंट के 8 ग्राम के साथ, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जुड़ता है, यहाँ पर इसका 64 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के 8 के साथ जुड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 64 ग्राम, मेटल का इक्विवेलेंट मास आ गया। और हम बोलते हैं कि भैया इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, ये क्या होता है, मोलर मास या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये अपने पास जो इक्विवेलेंट मास होता है। तो अब यहाँ से इक्विवेलेंट मास 64 दे रखा है और अभी मैंने बताया था आपको एटॉमिक मास भी 64, तो वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। और भैया वैलेंसी फैक्टर जो है वो 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि मेटल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, M+1 और ऑक्सीजन होता है O-2, और जब दोनों से ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, M2O, तो ये अपने पास ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। तो अपना जो क्वेश्चन है
उसमें आप देखना ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन जो है वो कैसा होगा, सही होगा, ये वाला ऑप्शन जो है वो अपने पास सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये आपको क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें मॉलिक्यूल जो है वो सेम है। भैया मॉलिक्यूल सेम कहाँ होंगे, मॉलिक्यूल सेम जो है वो वहाँ होंगे जहाँ पर एक तो मॉलिक्यूलरिटी, देखो जब भी मॉलिक्यूल की बात करें ना तो मॉलिक्यूलरिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम करने के लिए जहाँ पर मोल्स इक्वल होंगे वहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मोल्स निकाल लेता हूँ, 16 ग्राम ऑफ O2 मोल कितना आएगा भैया, 1/2, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है, 32 होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका होता है 28, तो इसका मोल भी कितना आएगा, 1/2, मोल्स इक्वल है तो भैया यहाँ पर मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। बाकी किसी में भी आप चेक करो कि मोल्स इक्वल नहीं आएंगे। यहाँ पर O2 का 8 ग्राम यानी कि 1/4 दे रखा है और CO2 का जो है वो 22 ग्राम यानी कि 1/2 मोल आ जाएगा। यहाँ पर जो N2 का 28 ग्राम यानी कि 1 मोल N2 और CO2 का जो है 22 ग्राम यानी कि हाफ मोल CO2, तो ये भी नहीं हो सकता। O2 का 32 यानी कि 1 मोल, N2 का 32 ग्राम है, तो N2 का 32 ग्राम का मतलब 32/28, ये एक से ज़्यादा आएगा, तो भैया फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2, NH3, CO2 एट STP। देखो कि भैया 100 ml अपने पास जो है वो क्या है, O2 है, 100 ml O2 है, फिर 100 ml ही अपने पास जो है वो क्या है, CO2 है, और 100 ml ही अपने पास क्या है, NH3 है। तीनों में टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन भी सेम है, तो इसका मतलब जितने मोल NH3 के हैं उतने ही मोल O2 के और उतने ही मोल CO2 के हैं। मोल जो है वो सब में इक्वल है, और मोल अगर इक्वल आ गए तो सब में मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अभी जो कंसेप्ट बताया था बिल्कुल उसी का क्वेश्चन है, तो भैया द सेम, तीनों में जो है वो अपने पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आपको ये बोल रहा है कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O, ठीक है, एक कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2O, फिर आगे आपको बोल रहा है कि 0.0835 मोल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो कि कंपाउंड का 0.0835 जो है इसके इतने मोल में हाइड्रोजन का जो है वो कितना है, 1 ग्राम, ठीक है। फिर आपको ये बोल रहा है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकता है, बेसिकली आपको यही पूछा है। तो देखना ज़रा कि भैया 0.0835 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब एक एटम जो है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, या 1 मोल हाइड्रोजन का एटम है। यानी कि अगर मेरे पास 0.0835 मोल कंपाउंड का है तो हाइड्रोजन का जो है वो मेरे पास 1 मोल होगा, 1 मोल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर इसका 1 मोल कंपाउंड होगा, मेरे पास जो अपने पास कंपाउंड है ना उसका अगर मेरे पास 1 मोल हो जाए तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1.1/ इतना, ठीक है, इतना मोल हाइड्रोजन होगा। और इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास लगभग 12, तो इसका मतलब कंपाउंड का जो 1 मोल है उसमें 12 हाइड्रोजन के मोल होने चाहिए, और ऐसा जो है वो केवल एक में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में। और देखो जरा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला चेक करोगे तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या आएगा, CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, अपने पास सिल्वर कार्बोनेट है, ऑन बीइंग स्ट्रॉन्गली हीटेड यील्ड ए रेजिड्यू वेटिंग, ठीक है भैया। देखो कि अपने पास सिल्वर कार्बोनेट है, सिल्वर कार्बोनेट है भैया Ag2 और ये CO3, इसको अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा भैया Ag और ये कन्वर्ट होगा CO2 और साथ में हाफ O2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये अपने पास कंडीशन आएगी, तो
तो अब इसका कितना है, इसका मेरे पास जो है वो कितना है, 2.76 ग्राम है, ठीक है। तो इसके 2.76 ग्राम से जो है वो रेजिड्यू किसका बनेगा भैया, ये तो गैस है तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज, ये गैस है ये भी एटमॉस्फेयर में रिलीज, जो रेजिड्यू बनेगा वो किसका होगा, एजी का होगा। तो यहाँ पर जो मोल निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, तो मोल निकालूंगा गिवन मास, इसका मोलर मास होता है भैया 276, तो इसके मोल आए कितने, 10^-2। तो अब देखो जरा, इसके एक मोल से इसका कितना बन रहा है, बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, तो इसके एक मोल से इसके दो मोल बन रहे हैं, तो इसके इतने से इसके कितने बनेंगे, 2×10^-2 मोल बनेंगे, क्लियर है बात। अब देखो जरा कि एजी का होता कितना, 108 होता है, तो अपने पास जो मास कितना आ जाएगा, मास निकालने के लिए मोल इंटू एटोमिक मास करना पड़ेगा, तो 2×10^-2 और ये आ गया कितना, 108, तो ये आएगा कितना, 2.16 ग्राम। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आएगा, आ गया होगा। इसमें कई डाउट अगर आपके पास आया होगा तो यही है कि भैया क्या कंपाउंड बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ फेमस रिएक्शंस होती है जिनमें प्रोडक्ट आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन कई बार रिएक्शन जो है वो दी हुई नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये आपको बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन परोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, ठीक है, यानी कि एसी का परसेंटेज जो है वो इसमें कितना, 0.5% है। तो फिर आपको आगे बोला है कि एटॉमिक वेट एसी का दे रखा है 78.4, ठीक है। तो मिनिमम मोलर वेट ऑफ परोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, देखो आपको जो मिनिमम मॉलिकुलर मास इसका पूछ रखा है। भैया देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको मिनिमम मोलर मास पूछा है, वहां पर आप ये सोचोगे कि आपको जो है वो इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, पहली बात तो कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वहां आप ये सोचोगे, देखो जरा इसमें सेलेनियम है और ये पूछा है मिनिमम मोलर वेट, ठीक है, तो इसके लिए आप ये सोचोगे कि जो भी अपने पास इसका फॉर्मूला होगा, जो भी कंपाउंड होगा, उसमें कम से कम सेलेनियम का कितना एटम हो सकता है, एक एटम तो होगा ही होगा, आधा पूर्ण पाव, पूरी तीन, सवा तीन, ऐसे तो संभव नहीं है। तो भैया एक एटम तो सेलेनियम का कम से कम होगा ही होगा, तो जब भी मिनिमम मोलर मास पूछे तो आप जो है वो उस दिए गए एलिमेंट का एक एटम उसमें मान के चलोगे। तो भैया मेरे पास जो है वो टोटल इसका मोलर मास मान लो एम है, सेलेनियम का एक एटम उसके अंदर है, तो 1×, इसका एटमिक मास कितना हो गया 78.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये परसेंटेज 0.05 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से m निकाल लो, m मेरे पास आ जाएगा कितना 68 और ये 0, ये मेरे पास जो वो m की वैल्यू आएगी, है ना, यानी कि आप बोल सकते हो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.568, ठीक है, × 10^4, ये अपने पास उसका मिनिमम मोलर मास निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा ज़रा, आपको ये बोल रखा है कि 0.16 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ डेसी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, ठीक है भैया, कि 0.16 ग्राम जो है वो कोई डाइबेसिक एसिड है ना, और 25 ml, डेसी का मतलब क्या हो गया भैया, 1/10, ये जो डेसी नॉर्मल लिखा है इसका मतलब क्या है, 1/10 नॉर्मल है, NaOH चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो द मोलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड विल बी, तो एसिड का जो अम्ल का मॉलिकुलर वेट कितना होगा। तो भैया देखो जरा कि आप क्या करोगे, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दोगे, जैसा कि अभी प्रीवियस कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो मैं बोलूंगा भैया देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट, अब देखो आपको इसका मास दे रखा है और डाई बेसिक है, यानी कि वैलेंस फैक्टर कितना दे दिया, वैलेंस फैक्टर जो है वो कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो मास जो है वो कितना है, 0.16, मोल कैसे निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास मान लो m, और ये आ गया भैया जी मेरे पास इसका क्या, इसके ग्राम तुल्यांक आ गए किसके, एसिड के, 0.16 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू मोल इंटू वैलेंस फैक्टर मैंने किया है बेसिकली। दूसरी तरफ आपको जो है वो नॉर्मलिटी दे रखी है 1/10 इंटू वॉल्यूम दे रखा है, अभी बताया था नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा तरीका होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, वॉल्यूम जो है वो ml में है तो इसको लीटर में बदलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से ओवरऑल मेरे पास जो वो क्या निकल के आएगा भैया, मोलर मास निकल के आएगा। तो मोलर मास आ गया 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000
एंड डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ये अपने पास निकल के आएगा कितना 128। तो ये एसिड का क्या आएगा भैया, मोलर मास आएगा। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 86% कार्बन, 488 ml ऑफ द हाइड्रोकार्बन वेट 1.68 ग्राम एट STP, ठीक है भैया। देन हाइड्रोकार्बन इज एन, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होगा, देखो जरा कि भैया उसमें जो वो 86 ग्राम तो क्या है, 86% तो क्या है कार्बन है, और हाइड्रोजन जो है वो कितना हो जाएगा फिर 14% जो है उसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो इसका निकालता हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी परसेंटेज गिवन है उसको उसी के एटॉमिक मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो भैया मैं डिवाइड करूंगा तो इसको करूंगा 86/12 और ये अपने पास आ जाएगा 14/1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो अपने पास आएगा कितना 7 के समथिंग आएगा और ये कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। ये 7.1 अप्रोक्सीमेटली 7 ले रहा हूँ। फिर जो है वो इसको जो है वो क्या करते हैं सबसे सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो अपने पास निकल के आ गया क्या CH, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया। अब मेरे को इसको मॉलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आगे की लाइन दे रखी है कि 488 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन वेट 1.68 ग्राम एट STP, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि 488 ml का जो मास है वो कितना है 1.68 ग्राम है, ठीक। तो 1 ml का मास कितना होगा, 1 ml का मास, तो 1 ml का मास हो जाएगा 1.68 डिवाइड बाई 488। तो भैया STP पर 22,400 ml का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.68 डिवाइड बाई 488 और मल्टीप्लाइड बाई 22,400 ml, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वो कितने का, ये 22,400 ml का मास का मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल का मतलब जो है वो क्या होता है मॉलिकुलर मास। तो ये जो है वो अपने पास उसका जो भी हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा उसका क्या आ गया, मॉलिकुलर मास आ गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो आ जाएगा कितना ऊपर 168 और ये 2, तो यानी कि कितना आएगा 84, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वो क्या निकल के आ गया, बेसिकली ये निकल के आ गया उसका मॉलिकुलर मास। अब देखिएगा ज़रा कि आपको जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा, मोलर मास आ गया, एन की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जा रहा है, ये जो है वो एग्जैक्टली 6 बार जा रहा है। इसका मतलब जो है वो अपने पास मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये आएगा भैया C6H12, ठीक है। तो C6H12 का मतलब क्या हो गया, CnH2n हो गया, और CnH2n का मतलब क्या है, ये एल्कीन है, ठीक है ना। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 21। हाँ तो भैया क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग 50 cc, का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और एक सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो आप इनको इक्वल ही ले सकते हो। 50 ml ऑफ O2 एंड 50 ml ऑफ H2, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस फॉर्म्ड, देखो जरा कि एट रूम टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होगा और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा, आपको ये पूछा है। तो भैया देखो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब पास करवाएंगे अपन H2 और ये O2 से, तो हमारे पास बनेगा भैया 2H2O, ये अपने पास रिएक्शन होगी, ठीक है। अब अगर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, तो रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट में होगी, ये भी गैसियस स्टेट में होगी, लेकिन वाटर जो है वो किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो अब इस केस में जो है वो आपको पूछा है कि पहले रूम टेम्परेचर पर इनका वॉल्यूम क्या होगा, जो भी गैस बनेगी उसका। तो आप देखो ज़रा कि इसमें 50 ml तो जो है वो किसका, H2 का है, और 50 ml जो है वो किसका है, O2 का है। तो जो भी वॉल्यूम है इसको आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मोलर रेशियो और वॉल्यूमिक रेशियो इक्वल होता है। तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लेता हूँ, पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए ये 50 मैं इसको मोल मान रहा हूँ, क्योंकि आप इसको मोल की तरह एज्यूम कर सकते हो, मोल बाई 2, और ये आ जाएगा कितना 50/1, ये आएगा 25, और ये आएगा कितना, ये आएगा भैया अपने पास 50। तो इनमें से कम कौन सा है, ये वाला कम है, यानी कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज LR, मतलब ये है कि इसका तो पूरा 50 का 50 खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूरा 50 का खत्म हो जाएगा, बच जाएगा किसका, O2 का,
इसके दो काम में आते हैं तो इसका एक ही काम में आता है, तो भैया इसके 50 काम में आएंगे तो इसके कितने 25 ही काम में आएंगे, इसका 25 ml जो है वो बच जाएगा, ठीक है। यानी कि रूम टेम्परेचर पर आप देखोगे कि O2 का 25 ml बच गया है, हाइड्रोजन पूरी खत्म, और ये जो भी बन रहा है ये तो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, तो गैस का वॉल्यूम कितना आया 25 ml। तो इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर तो गैस का ml जो है वो कितना मिलेगा, गैस का वॉल्यूम मिलेगा कितना, 25 ml, ठीक। फिर देखो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला जो है वो अब गैस होगा, और ये अगर गैस होगा तो इसके 2 से इसका 2 बनता है, तो इसके 50 से इसका भी कितना बनेगा, 50 बनेगा, तो 50 इसका बन गया और 25 ये हो गया, तो भैया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 75 आएगा, तो यहाँ पर जो है वो टोटल वॉल्यूम आएगा कितना, 75 ml, क्योंकि इसने किसका वॉल्यूम पूछा है, गैसेस का वॉल्यूम पूछा है, गैसेस जो भी बनेगी या जो भी बच गई कंटेनर में जो भी गैस है उसका वॉल्यूम पूछा है, तो टोटल 75 आएगा, यानी कि 50 और 25 और 75, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 आपको बोल रहा है कि ऑन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ 150 ml ड्राई एंड प्योर O2, 10% ऑफ O2 गेट्स चेंज टू O, ठीक है भैया 10% O2 जो है वो O में बदल गई, देन द वॉल्यूम ऑफ गैसेज मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैस लेफ्ट आफ्टर पासिंग इन टर्पेंटाइन ऑयल विल बी। इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि इसमें दो चीज़ें पूछी है, लेकिन आप ये जो दोनों सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस को जो है वो एक साथ कनेक्ट करके पढ़ो कि भैया रिएक्शन पूरी होने के बाद तथा टर्पेंटाइन ऑयल में पास करवाने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, आपको ये पूछा तो दो चीज़ें नहीं, इसमें एक ही चीज़ पूछी है कि रिएक्शन पूरी हुई पहले और रिएक्शन पूरी होने के बाद रिएक्शन मिक्सर को टर्पेंटाइन ऑयल में से पास करवाया, उसके बाद में जो है वो आपको वॉल्यूम पूछा है। टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो O3 को एब्जॉर्ब करता है, ओजोन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो अब यहाँ देखना ज़रा इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे ट्रीट करेंगे, आपको जो है यहाँ पर एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आपको ये दे रखा है कि 150 ml ड्राई O, 150 ml O2 आपको दे रखी है, तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि 150 ml O2 जो है वो 1 mol के बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि भैया O2 जो है ये डिकम्पोज हुई किसमें, 2O में, ठीक है, तो इसका मेरे पास 150 ml जो कि 1 mol में ले रहा हूँ, तो इसका मेरे पास 1 mol है, ये कितना होगा, 0 होगा, पहले इनिशियली एट t = 0, ठीक है। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि 10% जो है वो इसमें बदल गया, तो 1 का 10% कितना, 0.1, तो 0.1 जो है वो इसमें बदल गया, तो यानी बचा कितना, 1 - 0.1, ठीक है। और इसका कितना बनेगा, इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, तो इसके 0.1 से इसका कितना बनेगा, 0.2, ठीक। अब देखना ज़रा कि ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, ये 0.9, और ये जो है वो अब अपने पास कंटेनर में दो चीज़ें आ गई है, एक तो O2, एक O। अब इन दोनों के बीच में वापस से रिएक्शन होगी, और इन दोनों के बीच में जब वापस से रिएक्शन होगी तो भैया अपने पास बनेगा क्या, O3, ओजोन, ठीक है। और अब हमारे पास देखो जरा कि एक तो मेरे पास 0.9 mol तो किसके है, O2 के हैं, और 0.2 mol किसके हैं, O के हैं, और अगर मैं इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट देखूं तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, O, यानी कि ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसके 0 बचेंगे, इसके 1 mol के साथ इसका 1 mol रिएक्शन करता है, तो इसके जो है वो 0.2 mol के साथ इसके भी 0.2 mol रिएक्शन करेंगे, तो बचे कितने, 0.7 mol, इसके 1 mol से इसका 1 mol बनता है, तो 0.2 से इसका कितना बनेगा, 0.2 mol, रिएक्शन खत्म हो चुकी है, यहाँ रिएक्शन खत्म हुई। अब इस मिक्सर को जो है वो क्या करवाया गया, टर्पेंटाइन ऑयल में से पास करवाया गया, और इसको टर्पेंटाइन ऑयल में से पास करवाऊंगा तो O3 जो है ना ये क्या हो जाएगी, खत्म, इसको टर्पेंटाइन ऑयल क्या कर देगा, हटा देगा, और अब जो है वो मेरे पास केवल और केवल कंटेनर में कौन है, 0.7 mol जो है वो O2 है, ठीक है। और क्योंकि 1 mol जो है वो 150 ml के बराबर है, तो 0.7 mol जो है वो कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, तो 0.7 × 150, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा भैया 105 ml। तो ये अपना क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन सही किया होगा, आंसर जो है वो कौन सा जाएगा भैया, 4th आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है, चल जाए यार, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 आपको ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द वेट एंड मोल्स ऑफ AgCl precipitate obtained on adding 500 ml of 0.2 molar HCl in 30 gram of AgNO3। देखो
क्या क्या है अपने पास? एक तो अपने पास AgNO3 है और क्या है, HCl है। तो दोनों को रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा भैया अपने पास, AgCl बनेगा और साथ में बनेगा HNO3, ठीक है। और ये AgCl जो है वो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द वेट एंड मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। ओके, तो देखना इसमें आपको क्या करना है भैया, देखो इसका आपको दे रखा है कितना, 30 ग्राम। मैं मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मोल कितना आ जाएगा, 30/, इसका मोलर मास आता है कितना, 170। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.176, ठीक। और HCl के लिए जो है वो आपको क्या दे रखा है भैया, इसकी मोलरिटी दे रखी है और 500 ml दे रखा है। तो मैं इसके लिए मोल कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मोल इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी कितनी दी है, 0.20, और वॉल्यूम जो है वो लीटर में कितना आ जाएगा, 1/2, तो 0.1। तो इसका जो है वो मेरे पास मोल निकल के आएगा 0.1। आप यहाँ से देखो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, HCl जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा HCl के अकॉर्डिंग बनेगा। इसके एक से इसका एक बनता तो इसके 0.1 से इसका कितना बनेगा, 0.1 बनेगा। तो मेरे पास 0.1 मोल AgCl का बनेगा। क्वेश्चन में आपको मोल भी पूछा और भार भी पूछा, लेकिन मोल का जो है वो ऑप्शन नहीं दिया, तो भार वाला चेक कर लेते। तो भैया भार कितना आ जाएगा, तो इसको जो है वो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.1 इंटू इसका होता है 143.5। तो ये आ जाएगा कितना, 14.35 ग्राम अपने पास बनेगा। क्लियर है बात? तो भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 का आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन जो है वो अपने पास है, जिंक सल्फेट कंटेंट 22.65% ऑफ जिंक, ठीक है भैया, इसमें जो है इतना जिंक है, एंड 43.9% ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब इसमें जो है बाकी का बचा हुआ क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर है, ZnSO4.xH2O, कुछ इस फॉर्मेट में है। इफ़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, जो अभी मैंने आपको समझाया था कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है, इज ट्रू, देन द वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ क्रिस्टल विल बी, यानी कि आपको जो है वो 20 ग्राम क्रिस्टल में, आपको कुल मिला के बात ये पूछना चाहता है कि भैया 20 ग्राम क्रिस्टल में कितना जिंक होगा, आपको ये पूछना चाहता है, ठीक है। तो भैया 20 ग्राम में कितना क्रिस्टल होगा, तो 20 ग्राम में कितना हो जाएगा, 22.65% हो जाएगा। तो 20 का आपको 22.65% निकालना है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना भैया जी, 4.53 ग्राम, इतना जो है वो जिंक इसमें हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। सीधा सा है, 20 ग्राम में 22.65 ग्राम जिंक आपको वाटर पूछता, तो इसका 43.9% निकाल लेते। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 बोल रहा है कि 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन 12 मिलीग्राम, ठीक है, Mg+2, 12 मिलीग्राम जो है वो Mg+2 इसमें प्रेजेंट है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है वो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स हार्डनेस। भैया देखो जरा, मिली इक्विवेलेंट पूछा है, अब इसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने मिली इक्विवेलेंट या जितने इक्विवेलेंट अपने पास जो है वो Mg+2 का है, उतना ही Na2CO3 का इक्विवेलेंट आपको मिलाना पड़ेगा। तो भैया दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, तो इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg+2, ठीक है। तो ये कैसे निकालूं भैया, गिवन मास अपॉन इसका कितना होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना, या एटॉमिक मास 24 इनटू वैलेंस फैक्टर, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना है, 2। अब अगर यहाँ पर आप क्या करते भैया, ये जो है मास ग्राम में लेते तो ये मिली इक्विवेलेंट की जगह इक्विवेलेंट आता। अब मैं मास ml में ले रहा हूँ, मिलीग्राम में ले रहा हूँ, तो ये मिली इक्विवेलेंट आएगा, तो ये कितना आएगा भैया, 1, यानी कि मेरे पास Mg+2 का 1 मिली इक्विवेलेंट है। तो आपको 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा ताकि हार्डनेस जो है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, कि आपको कह रहा है 3.92 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है भैया। आपको पता है फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होता है, FeSO4.NH4O2SO4.6H2, ये इसको मोहर सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, क्रिस्टल आर डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर,
यानी कि इसका जो है वो 3.92 ग्राम को मैंने जो है वो 100 ml में डिसॉल्व कर दिया, मैं मोलरिटी निकाल लेता हूँ, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका होता है 392 और ये 100 और ऊपर जो है वो क्या लगाना पड़ेगा आपको 1000 लगाना पड़ेगा, ये 100 बार जाएगा तो ये जो है वो कैंसिल हुआ, अपने पास कितना आएगा 0.1, इसकी मोलरिटी दे दी 0.1। फिर आपको बोला कि 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि इसका जो है वो आप 20 ml अलग कर दिया, 0.1 मोलरिटी का 20 ml, ठीक है। 18 ml KMnO4 ड्यूरिंग टाइट्रेशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो जरा, जब इसका KMnO4 के साथ अपन टाइट्रेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट प्लस रेडॉक्स दोनों का मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चन है, तो भैया ये चला जाएगा Fe+3 में, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना है। यानी कि जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका वैलेंस फैक्टर आपको लेना है कितना, 1, और मीडियम एसिडिक रहता है तो भैया वैलेंस फैक्टर जो है वो इसका KMnO4 का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंस फैक्टर 5 होता है, आप ध्यान में रख लो, बनना 135 याद रखो, ठीक है। बेसिक मीडियम में जो है वो बनना 135 बोल रहा हूँ, बेसिक मीडियम में 1, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक मीडियम में कितना, 5, ये KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर है अपने पास। तो भैया अपने पास जो है वो KMnO4 आपको दे रखा है, तो इसका जो कितना 18 ml को ये कम्प्लीटली रिएक्शन कर रहा है, वैलेंसी फैक्टर सबका आ गया। फिर आपको बोल रहा है द वेट ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन इज, कि KMnO4 के 1 liter, मैं सबसे पहले यहाँ से एक काम करूँगा, इसकी मोलरिटी निकालूंगा, तो मोलरिटी निकालने के लिए दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर देते हैं, यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो भैया इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूं, मोलरिटी 0.1, वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम जो है वो इसका 20 ml काम में ले रहा है, मोलरिटी इसकी मान लो m, इसका वैलेंसी फैक्टर 5 और वॉल्यूम इसका कितना 18 ml जो है वो काम में ले रहा है, तो मेरे पास जो है वो KMnO4 की मोलरिटी निकल के आ गई, कितनी आ गई भैया, ये देखो जरा, ये इधर तो है 2 और नीचे आ जाएगा 5 × 18, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो मोलरिटी निकल के आ गई कितनी, 1/45, क्लियर है बात। अब देखो कि KMnO4 की मोलरिटी आ गई, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 liter में कितना KMnO4 का मास प्रेजेंट होगा, तो बस खत्म क्वेश्चन। अब 1 liter में मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास KMnO4 का होता है कितना भैया, 158 और वॉल्यूम कितना 1, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालने कितनी आ जाएगी, 158/45, ठीक है, तो अपने पास जो है वो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 3.476 ग्राम KMnO4 जो है वो प्रेजेंट है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये क्या कह रहा है, ये आपको बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर विल बी कंज्यूम्ड टू ऑब्टेन 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंट बोरोन। देखो जरा, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड बाई हाइड्रोजन, यानी कि आपको जो है BCl3 है आपके पास, इसका रिडक्शन करवाना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाना है, तो भैया एक तो बोरोन बना केवल एलिमेंटल फॉर्म में और साथ में जो है वो आपको मिलेगा 3HCl, इसको जो है वो 3/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये रिएक्शन है। अब आपको ये बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये देखो 273 केल्विन और 1 atm का मतलब क्या हो गया, ये NTP हो गया, तो NTP पर वॉल्यूम आपको पूछा, तो आप मोल निकाल लो ना इसके, ये कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, जितने भी मोल आए उसको 22.4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपने पास इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो भैया बेसिकली जो है वो मैं एक काम कर रहा हूँ, BCl3 और इसका 3/2, अब आपको क्या बोल रहा है 21.6 ग्राम, इसका मेरे को बनाना है कितना, 21.6 ग्राम बनाना है, मोल में निकाल लेता हूँ, तो मोल जो है वो कितने आ गए, 21.6 डिवाइड बाई 10 पॉइंट कितना देर का, 8, तो इसके मोल कितने आएंगे भैया, ये मेरे पास जो है वो पूरे पूरे जो है वो 2 मोल दिख रहे हैं, तो 2 मोल इसके निकल के आए, ठीक है। आप सोचो जरा कि इसके 1 मोल बनाने के लिए, 1 मोल बोरोन बनाने के लिए 3/2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो इसके 2 मोल बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 मोल हाइड्रोजन होगा तब जाके 21.6 ग्राम बोरोन बनेगा, और 3 मोल का वॉल्यूम तो 3 × 22.4 कर दो कितना आ जाएगा, 67.2 liter आ जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ये कह रहा है कि कंप्लीट कम्बशन ऑफ 0.858 ग्राम कंपाउंड एक्स गिव्स 2.63 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, और 1.28 ग्राम ऑफ H2, तो द लोवेस्ट मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स कैन हैव। भैया लोवेस्ट मॉलिकुलर मास का मतलब एक तरीके से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पूछा है, ठीक है। तो आप देखो जरा कि जो भी कंपाउंड एक्स है उससे वाटर और H2 बन रहा है, यानी उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलाकर कितना है 0.858 उसके अंदर है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल मास इतना है, कितना 0.858 कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब देखना कि भैया आपको ये बोल रखा है कि जो भी कंपाउंड एक्स है इससे क्या बना, CO2 बना और वाटर बना, तो CO2 का मास दे रखा है कितना 2.63 और इसका दे रखा 1.28 ग्राम, ठीक है। तो मास जो है वो इसको मैं पहले मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसके मोल आ जाएंगे 2.63 डिवाइड बाई 44 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0591, ठीक है। ये अपने पास CO2 के मोल आएंगे और इसके मोल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 1.28 डिवाइड बाई 18 और इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.07105, ठीक है। ये जो है वो अपने पास कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो ये अपने पास इनके मोल निकल के आ गए, क्लियर है बात। अब देखो जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही मोल कार्बन के भी होंगे, क्योंकि एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन प्रेजेंट है, तो मोल्स ऑफ कार्बन ये निकल के आ गए 0.0591, ठीक है। यहाँ पर देखो कि जितने मोल वाटर के होंगे उससे डबल मोल जो है वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ के मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो ये कितने आएंगे 0.07105 और इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो हो क्या आ गए, मोल आ गए किसके, कार्बन के मोल आ गए मेरे पास किसके, हाइड्रोजन के, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे कितने 0.1421, ये लो जी, क्लियर है बात। अब देखो मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड है ना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मोल निकल के आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से जो भी सिंपल जो भी छोटा है उसको दोनों से डिवाइड कर दो, तो इसको इसी से डिवाइड करूंगा तो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं 591 और ये आया कितना 0.421, इसको इसी के साथ डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा और इसको जो इससे डिवाइड करूंगा तो ये अप्रोक्स आ जाएगा कितना 2.4 के आसपास, ठीक है। और सिंपल इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आएगा 3:7.2 के आसपास, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं कितना लूंगा 7 लूंगा, यानी कि फॉर्मूला आएगा C3H7 और C3H7 का मीनिंग 12×24 36 और 7 कितने हो गए 43, तो इसका जो मिनिमम पॉसिबल मास कौन सा है 43 है। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली इससे निकालना है, इस इंफॉर्मेशन से निकालना है। अगर वो आपको इसका मास नहीं देता और डायरेक्टली CO2 और H2O के बारे में इंफॉर्मेशन देता तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको जो है वो कोई काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 ये आपको क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, विच चॉइस हैज वैल्यू ट्वाइस दैट ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कि भैया एक रिएक्शन आपको दे रखी है, अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा मान ऑक्सीकारक के तुल्यांकी भार का दुगुना है, रेडॉक्स का मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो भैया देखो सबसे पहले आपको ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तुल्यांकी भार के बारे में हम जो है वो कहाँ पर पढ़ते हैं भैया, हम मोल कंसेप्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। यहाँ पर सल्फर जो है ना, आप देखो जरा कि इसका जो वो रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये चला गया 0 में, चेंज कितने का हुआ 4 का, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो अपने पास कितना है 4 है, ठीक है। और तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास जो है वो मेरे पास निकल के आएगा कितना, इसका कितना होता है 64/4 यानी कि कितना 16, और आपको वो डिजिट पूछा है जो इसका दुगुना है, तो इसका दुगुना कितना आ जाएगा 32, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। तो भैया ये यहाँ तक के क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, उम्मीद करते हैं आपका पेपर जो है वो अच्छा गया होगा, कुछ एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था अपन ने, है ना, तो उम्मीद करते हैं आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपको बोल रहा है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट बिकॉज, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा टाइम बाद में क्यों हुई,
तो भैया इसका कारण है न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भैया देखो, जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी या जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कैथोड किरणों के फॉर्म में, तो हमने जो वो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगाया था, तो इधर से इधर जो है वो अपने पास कैथोड किरणें बन रही थी जो बीम है इलेक्ट्रॉनों का। तो हमने यहाँ पर क्या किया था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो वो क्या हो रहे थे, पॉजिटिव की तरफ ये जा रहे थे, ठीक है। तो इनका डेविएशन हो रहा था, ऐसे ही जो है वो प्रोटोन एनोड किरणों की खोज में भी डेविएशन हो रहा था। लेकिन भैया क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये ना सीधा चला जाता है, पॉजिटिव की तरफ भी नहीं जाता, नेगेटिव की तरफ भी नहीं जाता, ना ये मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो प्रभावित होता है। तो इसलिए जो है वो इसके बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं चला कि इस तरह के कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डेविएट नहीं होता है, तो चार्ज नहीं होने के कारण जो है वो इसका पता नहीं चला। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपको कह रहा है कि एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे, देखो जरा कि 1s2, 2s2, 2p6, 10, फिर यहां से यहां तक हो गए 18, 28 और ये हो गए 30, 30 और 5, 35, टोटल इलेक्ट्रॉन 35 है। तो भैया इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 35 हो गए, यानी कि बेसिकली एटम जो है वो है 35, है ना। और फिर आगे आपको बोल रखा है एटॉमिक वेट इज 80, यानी एक तरीके से एटॉमिक वेट जो उसको हम मास नंबर ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इफ एटॉमिक नंबर, इट्स एटॉमिक नंबर एट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दस न्यूक्लियस शैल बी, क्या होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर तो कितना हो गया, ये सीधा सा है 35 हो गया। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाली में से नीचे वाली क्या कर दो भैया, घटा दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा कितने आएंगे, 45। तो 35 एंड 45, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। देखो जरा, आपको तीन चार स्पीसीज दे रखी है, अब इनमें आइसो स्ट्रक्चरल भी पूछा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा है, दोनों चीज़ें पूछी है। तो भैया अगर मैं देखूंगा तो एक तो आपको दे रखा है NO3-, एक आपको दे रखा है CO3-2, एक आपको दे रखा है ClO3- और एक आपको दे रखा है SO3। तो अगर मैं पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ किसमें कितने हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं भैया, नाइट्रोजन में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन में जो है वो कितने होते हैं अपने पास, 8 होते हैं, तो 3 में कितने, 24, और एक माइनस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर रखा है, तो टोटल कितने हो गए भैया अपने पास, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 32, ठीक है। फिर इसके बाद देखना यहाँ पर CO3-2 है, तो कार्बन में हो गए 6, एक ऑक्सीजन में 8, तो 8 में कितने हो गए, 24, और ये जो टोटल जो है वो अपने पास दो और आपको ऐड करने पड़ेंगे, माइनस है, तो यहाँ पर भी आएगा कितना, 32। आप देखो यहाँ पर O3 दे रखा है, यहाँ पर भी O3 है, तो O3 और Cl, क्लोरीन तो बहुत दूर है कार्बन और नाइट्रोजन से, तो भैया ये तो जो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होने का सवाल ही नहीं होता। ये भी O3 और सल्फर है, तो इसमें जो है वो 8 × 4 = 32, 32 इलेक्ट्रॉन अपने पास, ओके 32 कहाँ से होंगे, 8 और होंगे, है ना, तो इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल इनमें ही बराबर है। तो आपको केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है, आइसो स्ट्रक्चरल चेक नहीं करना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, NO3- और CO3-2, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप चाहो तो आइसो स्ट्रक्चरल भी चेक कर सकते हो। कैसे करोगे भैया, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, नाइट्रोजन और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करके ज्योमेट्री बना लो, आपको पता चल जाएगा कि भैया आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। ये आपको बोल रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट Eventually led to the conclusion that, भैया किस conclusion पर इससे जो है वो पहुंचा गया, जो Rutherford का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो सबसे पहला, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड। भैया ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा था कि भैया बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसे निकल रहे हैं, एकदम ऐसे सीधे स्ट्रेट निकल रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला था कि ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो, खोखला होता है। इसके अलावा जो इसका बीच में जो भी मास होता है वो क्या होता है, बहुत ही डेंस होता है और बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको जो है वो आगे जाके क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था। याद करो भैया, बीच में जो एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था, 20,000 में से कोई एक दो अल्फा पार्टिकल वो ही वापस आ पाए थे। तो भैया ये उसका कंक्लूजन था।
तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल हो सकता है। न्यूट्रॉन्स आर ब्यूरिड डीप इन द न्यूक्लियस। भैया न्यूट्रॉन की चर्चा जो है वो उस बारे में उस टाइम पर नहीं हुई थी, क्योंकि न्यूट्रॉन की चर्चा जो है वो काफ़ी सालों बाद में हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई थी। द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विथ मैटर कैन बी प्रिजर्वली डिटरमाइंड। ठीक है भैया, ये जो है वो इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है कि भैया उसने अपना सोलर मॉडल दिया था ना, तो सोलर मॉडल में ये तो स्टेटमेंट दिया था कि भैया नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपको ये बोल रहा है कि पॉजिट्रोनियम, पहले तो मैं इस वर्ड को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पॉजिट्रोनियम क्या होता है। पॉजिट्रोनियम अपने पास होता है भैया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है भैया, एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू चक्कर लगाता रहता है। ये एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, इन दोनों का एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, और ये जो है वो चक्कर लगाता है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रोनियम बोलते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है भाई इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1 होता है रिलेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन का +1 होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। तो ये पॉजिट्रॉन होता है, और पॉजिट्रोनियम किसको बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो सिस्टम है जो कि चक्कर लगा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना न्यूक्लियस की चारों तरफ, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों एक ही कक्षा में एक ही ऑर्बिट में अगर चक्कर लगा रहे हो तो इस सिस्टम को बोलते हैं पॉजिट्रोनियम। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि कॉन्सिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, ए पार्टिकल विच हैज द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट चार्ज। बिल्कुल भैया, कि इसका जो है रिलेटिव चार्ज -1 है, तो इसका रिलेटिव चार्ज +1 होगा, इस पर -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, तो इसका कितना हो जाएगा, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा। फिर आपको बोल रहा है ऑर्बिटेटिंग राउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, मतलब एक ही सेंटर ऑफ मास, जरूरी नहीं न्यूक्लियस है, एक ही सेंटर के अराउंड जो है दोनों चक्कर लगाने चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट फॉर दिस सिस्टम। देखो जरा कि क्या होता है कि भैया रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है ना वो हम कुछ इस तरीके से देते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1+ME/M। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं भैया, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो भैया देखो ये जो है वो अपने पास रिडबर्ग कॉन्स्टेंट के बीच में रिलेशन होता है, मास और रिडबर्ग कॉन्स्टेंट के बीच में, ये यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर m जो है वो तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नीचे वाला m है ये है भैया मास ऑफ दिस टोटल सिस्टम, पूरे पॉजिट्रोनियम का मास। तो इस केस में जो है हम बोलेंगे r इज इक्वल टू आर नॉट, और ये हो जाएगा 1 - मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, और पूरे सिस्टम का, क्योंकि दोनों का मास बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा ME/2 ME, ये हुआ कैंसिल, तो 1 - ½ कितना बचेगा, हाफ, तो r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, R0/2, यानी कि इनिशियल का आधा हो जाएगा इस सिस्टम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, कि कौन सा जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी का के अनुसार सही नहीं है। तो भैया प्लांक क्वांटम थ्योरी कि भैया एनर्जी का जो भी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो हमेशा छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में होती है, पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिनको फोटोन बोलते हैं, ये था भाई बेसिकली। तो आपको बोल रहा है कि द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ये गलत है, क्योंकि एनर्जी जो है वो मल्टीपल ऑफ क्वांटम के फॉर्म में ही रिलीज होती है और एब्जॉर्ब होती है। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि ये ही इससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा बोल रहा है रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की रेडिएशन हो लैम्डा और ई के बीच में रिलेशन होता है, ये बोलता है ना E/1 λ, ठीक है, या E=hc/λ। रेडिएशन एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, ये तो सही बात है, बिल्कुल भैया ऐसा ही होता है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल भैया ई जो है ना वो हम बोलते हैं कि सोर्स की फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ से ये हटाएंगे तभी तो हम प्लांक कांस्टेंट एच काम में लेते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू आ जाएगा। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 37। ये आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये कौन सा बोहर मॉडल का पार्ट नहीं है बेसिकली? देखिए कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है भैया, कि बोहर मॉडल जो समझाया जाता है ना, वो हम बोलते हैं कि क्वांटम थ्योरी से ही रिलेट करके समझाया जाता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी। बिल्कुल भैया, न्यूक्लियस के आसपास जो रहता है, न्यूक्लियस के जितने पास में होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, इनफाइनाइट पर जाओगे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये तो भैया हम बात करते हैं इसका, तो मॉडर्न वेव थ्योरी या जो वेव मैकेनिकल थ्योरी होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उससे रिलेट करता है। आप याद करो हाइजेनबर्ग, ठीक है, तो वहां से रिलेट करता है। इसका बोहर मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या कह रहा है, कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, nth बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछा है। अब देखो कि भैया जो टोटल एनर्जी होती है अपने पास सिस्टम की, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो अपने पास होती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर जब मैं क्यू वन क्यू टू की वैल्यू पुट करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है भैया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये अपने पास आर स्क्वायर नहीं होता, आर स्क्वायर तो फोर्स को प्रदर्शित करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने पास होती है प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी उसका एक्सप्रेशन ये होगा कि माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये अपने पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। अब आर की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो भैया अपने पास एनर्जी जो है वो निकल के आएगी, देखो ज़रा, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है भैया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे जो होगा ऊपर चला जाएगा, नीचे होता है अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये अपने पास आर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो ये हुआ कैंसिल। ठीक है, अपने पास देखो ज़रा क्या निकल के आएगा, अपने पास निकल के आएगा टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर डिवाइड कर दो एन स्क्वायर एच स्क्वायर से। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो है वो इससे मैच कर रहा है, देखना ज़रा कि ऐसा एक्सप्रेशन पहला तो होगा नहीं क्योंकि अपने पास एम की एक ही पावर है, ये वाला जो है वो अपने पास होगा नहीं क्योंकि इसमें ई की दो पावर है, चार पावर आपको लेनी है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। अब आपको होगी सर के कहाँ गया, तो भैया सी जी एस सिस्टम में के की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वन होती है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, देखना क्या कह रहा है, ये आपको बोल रहा है कि द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अगेन रदरफोर्ड से क्वेश्चन आया है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया है, ऑफ रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड उसने किया इससे, तो द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, ऐसा कोई स्टेटमेंट उसमें नहीं था। ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि भैया एक एटम का मैक्सिमम पार्ट होलो होता है, खाली होता है, फिर जो है वो 20,000 में से कोई एक आधा अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि जो भी बीच में जो भी मास रखा है वो बहुत ज्यादा डेंस है और बहुत ही छोटा है। ठीक है ना, तो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, या कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, ये सही है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है ना, तो थर्ड वाला जो है उसमें सही होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिसक्रिएट एनर्जी लेवल्स, ये जो है वो इसका स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपको ये कह रहा है भैया, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी चेंज, भैया ये आपको जो है वो एनर्जी चेंज यानी कि एक लेवल से दूसरी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना एनर्जी का चेंज आता है, यहाँ एन वन की वैल्यू दे रखी है, एन टू सारी चीज़ें दे रखी है, स्पेक्ट्रल लाइंस पास्चर सीरीज से रिगार्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन आपको पूछिए। भैया देखो ज़रा कि ये हमारे पास जो है वो बेसिकली सेल्स हो गए या ऑर्बिट हो गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एन इज्कवल टू वन टू थ्री फोर फाइव,
अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एन इक्वल टू वन में आता है तो इनको बोलते हैं लाइमन, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू टू में आता है तो इनको बोलते हैं बामर, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू थ्री में आता है तो इसको बोलते हैं हम पाश्चन। तो यानी कि पाश्चन के लिए एन वन की वैल्यू तो तीन होती है और एन टू की वैल्यू क्या हो सकती है, चार पाँच छः सात इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एन वन और एन टू की वैल्यू होती है, तो एन वन इक्वल टू थ्री, एन टू इक्वल टू फोर पाई सिक्स कुछ भी हो सकती है। ये यहाँ पर जो है वो अपने पास एन वन है, ठीक है ना। फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रहा है कि भैया द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम एन इक्वल टू फोर टू एन इक्वल टू वन इन हाइड्रोजन एटम विल बी, यानी कि चार से एक में आता तो किस फ्रिक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा। तो भैया फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है अपने पास क्या, 80/λ, ठीक है। तो पहले मैं लैम्डा निकाल लेता हूँ। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो लैम्डा जो होता है वो हम कैसे देते हैं, वो हम देते हैं n1² n2² / n2² - n1² और ये हो जाता है भैया 1/r और ये हो जाता है z². इससे जो है वो स्क्वायर है ये, इससे जो है वो हम क्या करते हैं भैया लैम्डा निकालते हैं। n1 की वैल्यू आपके पास है कितनी है भैया 1, n2² कितना हो जाएगा 16, नीचे जो है माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और Z क्योंकि हाइड्रोजन है Z की वैल्यू 1 हो गई, फिर 1/r, तो भैया 1/r की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 912 एंगस्ट्रॉम में होती है, तो भैया ये 10^-10 ये आ गया मीटर, क्लियर है बात। तो ये मेरे पास लेमडा निकल के आ जाएगा, लेमडा आ गया। तो भैया C की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, 3 × 10^8 और लेमडा जो है वो दिया है कितना 16 × 912, ये 10^-10 और ये ऊपर चला जाएगा कितना 15, ये लो जी इसको सॉल्व कर लो। ये अपने पास जो है वो किस में आएगा, सेकंड इन्वर्स में आएगा, ध्यान ये रखना, बस यूनिट का ध्यान में रखना है, हम सी मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो लैम्डा भी आपको मीटर में ही रखना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 3.08 × 10^15। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या कह रहा है आपको। ये आपको बोल रहा है कि ए मेटल सरफेस, ठीक है, ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू सोलर रेडिएशन, ठीक है भैया। एक मेटल सरफेस को आपने सोलर रेडिएशन में जो है वो क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से जो है वो हम एनर्जी डालते हैं कितनी ई, ठीक है, इसका जो है वर्क फंक्शन मान लो फाई है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है, तो इन फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसमें से ये वाला घटाते हैं कि भैया ई माइनस फाई, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि आप जितनी एनर्जी का फोटोन डालोगे, ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा उससे क्या आएगी, कम ही आएगी। जितनी एनर्जी का फोटोन डाल रहे हैं, ई एनर्जी का फोटोन डाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ई से हमेशा कम ही आएगी। क्यों आएगी कम, क्योंकि भैया जितना वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी तो यहाँ खर्च हो जाएगी ना इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आप देखो जरा कि द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन, बिल्कुल भैया ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ये वाली एनर्जी इससे कम होगी, लेस देन ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये वाली एनर्जी जो है वो इस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, इज इक्वल टू एच न्यू पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल भैया यही इसका जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्या कह रहा है, तो देखना जरा कि द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन, अब इतना तक तो जो है ऊपर वाले जैसा ही है, यहाँ पर वर्ड लिखा है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब तो होता है नंबर ऑफ फोटोन, और भैया नंबर ऑफ फोटोन पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड थोड़ी ना करती है, नंबर ऑफ फोटोन बोल दो या इंटेंसिटी का मतलब एक तरीके से ब्राइटनेस बोल दो, आप मोबाइल की ब्राइटनेस कम या ज्यादा करते हो, इसका मतलब मोबाइल की स्क्रीन से जो फोटो निकल रहे हैं वो आप कम या ज्यादा कर रहे हो, समझ गए बात को। तो भैया ये जो है यहाँ इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है काइनेटिक एनर्जी, ये तो डिपेंड करती है इस एनर्जी पर, और ये एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, समझ गए। देखो अगला है द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो एनर्जी, भैया ये संभव है, जीरो एनर्जी जो है वो हो सकती है, ये वर्क फंक्शन और ई अगर दोनों इक्वल हो तो संभव तो है ना। लेकिन भैया अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा करेक्ट जो है वो कौन सा होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। फिर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है वो किसी भी मेटल का शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये था भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 42 के बाद में 43 देखिएगा।
ये आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैव मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है भैया, तो किसमें जो है वो सबसे कम वेवलेंथ का फोटोन आपको दिखेगा। देखो एक चीज मैं अब बता देता हूँ आपको कि भैया फोर, याद रखना फोर मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। n1 की वैल्यू कैसी हो? मिनिमम होनी चाहिए, और n2 की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। समझ गए बात को? मिनिमम वेवलेंथ पूछी है तो n1 की वैल्यू मिनिमम, n2 की वैल्यू मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे तो n1 की वैल्यू मैक्सिमम, n2 की वैल्यू मिनिमम। देखो कैसे चेक करूंगा, n1 हमेशा नीचे वाला, n2 हमेशा ऊपर वाला, ठीक है। जैसे यहां पर चेक करते हैं कि भैया n1, ये n1 होगा, ये n1 है, ये n1 है। तो अब इन ऑप्शन में से n1 की वैल्यू जहां मिनिमम है वो चेक करना। यहां दो है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर अगर n1 सेम आ जाए तो n2 चेक करो, n2 जो है वो अपने पास मैक्सिमम होना चाहिए। यहां पर n2 की वैल्यू 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना सही होगा। आप चाहो तो निकाल के देख लो, यहां पर जो है ना वो आपको मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी, एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, वेवलेंथ जो है वो मिनिमम मिलेगी। तो ये जो है वो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सीधा डायरेक्टली तरीका होता है। उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपको कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 5×10⁴ सेंटीमीटर, ठीक है जी, पर सेकेंड, ठीक है, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग देरी क्या होगी। देखो जरा कि लैम्डा इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है, एच अपॉन क्या होता है जी, एम बी होता है। यहाँ एक ही चीज का ध्यान में रखना है और वो है यूनिट सिस्टम। तो भैया जी एन की वैल्यू, एच की वैल्यू आपको पता है 6.6×10⁻¹ कितनी होती है, -34 जूल इंटू सेकेंड। तो एम मास कितना दे रखा आपको, मास देखो आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो भैया एम जो आएगा ना अपने पास कितना, 2, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो 2 AMU, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको 1.6×10⁻²⁷ kg ये वाला मास यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा। तो 2×1.6×10⁻², यहाँ पर काम में लो। और वेलोसिटी जो है ना वो 5×10⁴ सेंटीमीटर इन्वर्स है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी कितनी, 500 मीटर पर सेकंड। तो बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम में ये लैम्डा जो है यहाँ पर मीटर में आएगा, है ना, क्योंकि हम एमके सिस्टम काम में ले रहे हैं। एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 एंगस्ट्रॉम। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आपके समझ में आई होगी। अब या तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 45, देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपको बोल रहा है कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द DXY ऑर्बिटल इज, भैया आपको पता है कि डी ऑर्बिटल जो है वो D5 तरीके का कॉन्फिग्रेशन संभव है। एक तो होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DZX, एक होता है भैया DX²Y² और एक होता है DZ²। 5 D ऑर्बिटल अपने पास होते हैं। तो ये DXY की बात कर रहा है। देखो XY जो होता है ना वो अपने पास कैसा ऑर्बिटल होता है, प्लेनर ऑर्बिटल होता है, ये X और ये Y। तो इसमें आप देखोगे कि जो भी अपने पास डंबल है वो कुछ इस तरीके से XY प्लेन में लाई करता है। और डंबल का मतलब भैया बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस डंबल में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जो भी डंबल दे रखे हैं इनमें आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो एक्स और वाई से आप देखो ज़रा कितने एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखना, आपको ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दे रखा है जी, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, ठीक है। ये नाइट्रोजन का ये होता है, कहने का मतलब है अपन ऐसा बनाते हैं ना नाइट्रोजन का, ये तो 1s हो गया, ये लो जी ये हो गया 2s, ठीक है, ये लो जी ये अपने पास हो गया भैया 2px1, 2py1, 2pz1, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो यूँ नहीं होता कि भैया देखो
ये अगर आप बना दोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखना अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है ये वाला बना दो, ऐसे कैसे बना दो भाई, बापूजी का राज थोड़ी ऐसे कैसे बना दो, तो ये वाला क्यों नहीं बना सकते। तो भैया यहाँ पर देखो ज़रा कि हुंड एक चीज़ कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, सेम स्पिन के भरने होते हैं, इसके बाद में आपको क्या करवाना होता है, अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करवानी होती है। या फिर हुंड का जो अधिकतम बहुलता का नियम, चक्रण बहुलता का नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि समभ्रंश कक्षकों का, अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज काम में ले रहा हूँ, समभ्रंश कक्षकों का वह विन्यास सबसे ज्यादा अस्थायी होगा जिसकी चक्रण बहुलता अधिकतम होगी, ये टेक्निकल टर्म है। आसान शब्दों में मैं अगर कहूँ कि आपको सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन भरने, इसके बाद पेयरिंग करवाना चालू करो, तो भैया यहाँ पर जो है ना हमारे हुंड भाई साहब नाराज हो रहे हैं। तो हुंड का नियम जो है वो ये कहता है कि भैया ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है जी कि विच वन इज द करेक्ट आउटर कॉन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। अब देखो क्या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको तो पता ही है कि क्रोमियम कितने नंबर पे आता है, 24 पर आता है, यानी 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब 24 इलेक्ट्रॉन भरूं तो कैसे भरूंगा, ऐसे भरूंगा देखो n प्लस l रूल के बेसिस पर, तो ऐसे भरूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 LOG n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भरूंगा, क्यों, क्योंकि n प्लस l रूल तो ऊर्जा का नियम होता है, N प्लस एल किसको बताता है, ऊर्जा को बताता है ना, तो ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। आप देखो यहां N प्लस एल की वैल्यू कितनी 4, यहां N प्लस एल की वैल्यू कितनी 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, तो यह अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है भैया, कहां चला जाता है, डी में चला जाता है, डी में 5 हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, d5 और 4s1, क्योंकि अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्ष का स्थायित्व अपेक्षाकृत नियर बाई जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और कारण क्या होता है, कारण इसका होता है एक तो सिमेट्री, कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं ना उनमें आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से सिमेट्री क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा कारण होता है इसमें विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। तो भैया जितने ज्यादा एक्सचेंज होता क्या है कि इन सब इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है, सबको मैंने एक ही एनर्जी लेवल पर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये एक्सचेंज जितना ज्यादा एक्सचेंज होता है ना, हम बोलते हैं स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट, ठीक है। तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ये रहेगा, यानी कि एस में तो जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एस से पहले डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3, 5, डी में हो जाएंगे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, अपना थर्ड कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही हो जाएगा। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, यह आपको क्या कह रहा है, यह आपको कह रहा है कि भैया द फोर क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो जी सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 और ये लो जी 3s1, ये रहा जी लास्ट इलेक्ट्रॉन। बोलो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू S के लिए 0, अगर L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0, S की वैल्यू तो या तो प्लस हाफ होगी या तो फिर माइनस हाफ होगी, तो कुछ भी लिख सकते हो, प्लस हाफ लिखा है तो भी सही है, माइनस हाफ लिखा है तो भी सही है। तो भैया देखो जरा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ऐसा ही है, तो यही अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रॉन एट, देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी, अभी मैंने बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास रहेगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और अनंत पर चला जाएगा तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा होती है। देखो हम ऊर्जा जो लगाते हैं ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, -13.6 Z² / n² तो आप कहोगे कि सर n की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो घटनी चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पर माइनस है, तो n की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ये भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो अनंत पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या आएगी, सबसे
ज़्यादा आएगी, तो न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा नहीं होती, ग्राउंड स्टेट में नहीं होती, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं होती, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आपको क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, एल की वैल्यू जो है वो दे रखी है कितनी, 2, ठीक है, देन टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। तो भैया अपने पास जो है वो हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ m, ये कहां से कहां तक होती है भैया, ये होती है माइनस l2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, है ना, 0 को इंक्लूड करते हुए ये वैल्यू हम लेते हैं। तो भैया आप खुद सोचो कि अगर l की वैल्यू 2 दे रखी है तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2, टोटल कितनी वैल्यूज आ गई भैया मेरे पास, तो टोटल वैल्यूज आ गई कितनी, 5। तो टोटल 5 वैल्यू जो है वो यहाँ पर संभव है किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 51। 51 का क्या कह रहा है, 51 का आपको ये कह रहा है कि भैया एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 103, ठीक है, 103 एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, हैव बीन सिंथेसाइज्ड एंड द एंड स्टडीड। वैसे जो है वो अभी टोटल पीरियोडिक टेबल अपनी कंप्लीट है, ठीक है ना, लेकिन ये बोला है कि मान लो 103 तक ही पढ़ते हैं, फिर आपको बोल रहा है कि इफ ए न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट इज फाउंड टू हैव एन एटॉमिक नंबर 106, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी। तो भैया अगर 106 वाला जो है वो कोई डिस्कवर होता है तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, देखना जरा। रेडोन जो है वो कितने नंबर पे आती है भैया, 86 नंबर पे आता है अपने पास, आपको पता है ना, तो आप देखते हैं जरा, देखो जरा कि सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2s2p, 3s, 3p और ये 3d, 4s, 4p और ये आ जाएगा 4d, 4f, फिर आ जाएगा भैया 5s, 5p, 5d, ठीक है, 5f, ठीक है, आगे से आगे चलता जाएगा 6s, 6p, ठीक है, 6d आगे की ज़रूरत नहीं है, 7s आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 7p, ठीक है, तो इतने ही बना रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैसे भरते हैं, तो भैया सबसे पहले जाता है जी 1s में, फिर जाता है 2s में, फिर जाता है 2p, 3s, फिर जो है वो 3p, 3p के बाद 4s, फिर जाता है 3d, 4p और 5s, फिर जो है वो ये इलेक्ट्रॉन हम कुछ इस तरीके से फिल करते हैं, इनको क्रॉस करते जाओ और इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फिल करते चले जाएंगे। 86 इलेक्ट्रॉन भरने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो 86 इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे तो आप देखोगे कि 5f जो है ना अपना, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, 5f तक जो है वो मामला सल्ट जाएगा, मामला पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब 5f के बाद में, ओके 5f अपने पास यहाँ है, 5f के बाद में जो है ये 5f कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है, ठीक है, तो 6d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 6d के बाद में जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए, 7p में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब आप 86 तक भरोगे, देखो रेडोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, 6s2 6p6, ठीक है, यानी कि देखो छठा कहाँ है, ये है अपने पास 6p, यहाँ तक भर गया है, ठीक है, रेडोन जब आता है तो यहाँ तक भरता है, यानी 86 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, फिर अगला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 7s में आएगा, तो यानी 7s2, इसके बाद में क्या आना चाहिए, 7s2, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, फिर तो एक ही बचा, ठीक है, एक ही बचा, कौन सा, ये वाला, फिर जो है वो ये भर गया पूरा, फिर जो है वो अपन को और कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भैया, और जो है वो अपन को 14 और 2 6, ठीक है, तो और जो है 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जाएगा, फिर जाएगा अपने पास ये कौन सा है, ये है 5f, तो फिर F में जो है वो अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन, तो 5F14, और जितने भी बच गए 5F के बाद में इलेक्ट्रॉन का 6D, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 6D4, ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यानी कि बिल्कुल ये वाला ही मैच कर रहा है। अब इसको जो है ना, इसने आवर्त के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखा गया है, तो आप लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 52 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, देखो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, द परमिटेड वैल्यूज ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ठीक है भैया, n की वैल्यू 3 है, l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, तो इसको जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे आप इसको समझोगे,
देखना। तो भैया देखो कि n की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 3। n इज इक्वल टू जो है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। अब l की जो वैल्यूज होती है वो हम जानते हैं कि हमेशा n से छोटी होती है और 0 से लेके n माइनस 1 तक हो सकती है। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, ये l की वैल्यूज। m की क्या क्या वैल्यूज होती है, तो m की वैल्यू अभी मैंने बताई थी माइनस l से प्लस l। तो अगर l की वैल्यू जो है ना वो 0 है तो m की वैल्यू 0 आएगी, अगर l की वैल्यू जो है वो 1 है तो m की वैल्यू माइनस 1, 0 और प्लस 1 आएगी, प्लस 1, ठीक है। अगर l की वैल्यू 2 है तो इसकी माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2, ये वैल्यू जो है वो अपने पास परमिटेड है, ठीक है। ये m की वैल्यूज और ये जो है वो l की वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब देखना ज़रा, अगर मैं पीछे चलूँ, हाँ तो ये अपने पास है। तो अब इसमें देखना कि l की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, l की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, ये तीनों वैल्यूज हो सकती है। कि l की वैल्यू अगर 0 होगी तो m की वैल्यू 0 होगी, प्लस 1, 0, माइनस 1, ये भी संभव है। कब, जब l की वैल्यू 1 होगी। l की वैल्यू 2 होगी तो प्लस 2, प्लस 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, ये संभव है। यानी कि ये जो पहला सेट है ना, ये पूरा जो है वो पॉसिबल हो सकता है, पूरा संभव है, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरे में बात करूं तो यहां पर बोल रखा है कि l की वैल्यू 1, 2, 3 ना, 3 थोड़ी ना हो सकती है, है ना, n और l बराबर नहीं हो सकते। 0, 1, 2 हो सकती है, तो अगर ये 0 है तो ये 0 हो सकता है, ये 1, 2, 3 नहीं हो सकती, ये माइनस 1, 0, प्लस 1 होगी, तो ये नहीं हो सकता, गलत है। ये जो है 1, 1, 3, 3 नहीं हो सकता, तो ये चौथा सेट जो है वो भी क्या है, गलत है। तो भैया एक ही जो ऑप्शन है वो सही है अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो 53 आपको क्या कह रहा है, 53 आपको बोल रहा है कि 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p15 आर लेबल्ड एज, आपको दे रखा है भैया फास्फोरस के जो 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं 3s2 और ये कौन सा आएगा 3p3, ठीक है। तो अब देखना जरा कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में जो है वो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसने जो है वो क्या बोला भैया, ab बोला है, और इसको x, y और ये z बोला है, ठीक है। फिर आगे आपको बोल रखा है इफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ b एंड z इज प्लस हाफ, यानी कि b और z का स्पिन कैसा है, सेम है। तो अगर इनको सेम स्पिन में लेके जाना है तो मेरे को इसको जो है वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिएगा जरा कि ये अपने पास है 3p3, ठीक है। अगर सेम स्पिन में आप रखना चाहते हो तो भैया ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये x, y और ये z। अब देखो जरा कि b और z का स्पिन कैसा है, सेम है। अगर z का स्पिन जो है वो ऐसा आएगा तो अपने को हुंड क्या कहता है कि भैया सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, इसके बाद में पेयरिंग करवाना स्टार्ट करो, और जो इलेक्ट्रॉन अपन भर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो सेम स्पिन का होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो स्पिन आएगा इसका भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा। तो अब देखो आपको आगे पूछा है कि द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ 3 ऑफ द क्वांटम नंबर सेम आर, जिसके 3 क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, तो उनका जो है वो ग्रुप कौन सा है। तो पहली बात तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित है, एक ही ऑर्बिट में उपस्थित है, सॉरी एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित है। तो एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्या है, कौन कौन सी, एन, एल और एम, ये क्या होती है, ये सिमिलर ही होती है। तो एक तो अपने पास आ गया भैया ए बी, तो ए बी का जो सेट है इसके लिए तीनों क्वांटम नंबर कैसी होगी, सेम ही होगी। फिर इसके बाद देखो जरा आप एक्स, वाई और जेड को ध्यान से देखो, इनके लिए एन की वैल्यू सिमिलर है, क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों 3p में है। फिर इनके लिए एल की वैल्यू सिमिलर है, क्यों, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर इनके लिए एस की वैल्यू भी सिमिलर है, कितनी, प्लस हाफ। तो 3 क्वांटम नंबर इनके लिए सिमिलर है, तो इस केस में जो एक दूसरा सेट आ गया एक्स, वाई और जेड। इसने यहां पर जो है बी वाई दे रखा है, तो बी वाई को चेक करते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। भैया बी के लिए एन की वैल्यू कितनी है, बी के लिए ये अपने पास है 3s, तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है 3, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है 0, इसके लिए एम की वैल्यू कितनी है 0, और इसके लिए एस की वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ। जबकि मैं वाई के लिए चेक करूं तो एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0 होगी। बीच वाले के लिए कितनी होती है, 0 होती है, और एस की वैल्यू कितनी है, प्लस हाफ। तो बिल्कुल यहां पर भी एक और फिर ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों सिमिलर आ रही है, तो इसलिए जो इसमें बी वाई भी होगा। अगर मैं ए और जेड को चेक करूं तो ए और जेड दोनों जो है वो अपोजिट, एस जो है वो इनका क्या है, अलग अलग है, तो ए और जेड होगा नहीं। तो भैया इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा क्या कह रहा है।
ये आपको बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, ये आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, दिस रिप्रेजेंट इट्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आप एटॉमिक नंबर चेक कर लो सबसे पहले, 1s2, 2s2, 2p6, 10, और फिर ये हो गए 18 और एक 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, 24 का मतलब क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम तो एक्सेप्शन होता है, एन प्लस एल रूल को फॉलो करता ही नहीं है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 4s1 3d5, और बिल्कुल ये ऐसा ही कॉन्फिग्रेशन दे रखा, तो ये क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, आपको क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, कौन सी जो है मैक्सिमम एनर्जी की है, ठीक है, देखो जरा कैसे चेक करेंगे भैया, 3s 3p, ठीक है, आप देखो जरा 2 2 4 5 और ये 6, टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है कितने है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 2 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी पूछ रहा है ना, आप देखो ज़रा कि यहाँ पर केवल 3p में इलेक्ट्रॉन है, 3d में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि ये किसी भी एटम का ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखना कि 3p पूरा भरा ही नहीं है, 3d जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, कहने का मतलब ये है कि ज़रूर 3p के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनको 3d में एक्साइटेड करवाया गया होगा, यानी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा, यहाँ पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से उठ के इधर गए हैं, ये वाले को एक्साइटेड करवा दिया, ये वाले को एक्साइटेड करवा दिया, क्लियर है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, यानी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये रहा होगा, और यहाँ पर देखो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये रहा होगा, इन दोनों की तो ऊर्जा जो है वो क्या है, बराबर है, इन दोनों की ऊर्जा बराबर है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ भर दो इलेक्ट्रॉन चाहे यहाँ भर दो चाहे इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भर दो, एनर्जी बराबर ही है, ये पांचों को जो है ना आपने एक ही एनर्जी लेवल में बनाया है, इसका मतलब ये है कि पांचों समब्रंश है, समब्रंश का मतलब जिनकी ऊर्जा बराबर हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, यहां पर देखो यहां एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था, ठीक है, फिर क्या कर दिया आपने, पहले इसको ऊर्जा दी फिर इसको ऊर्जा दी, दो बार ऊर्जा दी, ऊर्जा दी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी एनर्जी जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा होगी। ये हो गया भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 55। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये आपको बोल रहा है कि फॉर द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कि भैया परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं एनर्जी लेवल्स के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है देर आर 7 प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स, तो 7 जो है वो मुख्य इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था भैया ऊर्जा जो है वो हम जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, तो वहाँ अनंत की बात मैंने करी थी, तो कक्षाएं कितनी होती है, अनंत होती है, एनर्जी लेवल कितने होते हैं, अनंत होते हैं, 7 जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी के लिए जो हम बोलते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्तों में काम चल जाता है, तो अभी के लिए ठीक है, 7 तक जरूरत पड़ती है, इसलिए 7 ही बनाते हैं अपन, है ना। अगला है द सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव 4 सब एनर्जी लेवल्स एंड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। भैया देखो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम कैसे देते हैं, 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन बताते हैं, तो 2n स्क्वायर से जो है देखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8, तो ये इलेक्ट्रॉन वाली बात तो सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि कैन हैव 4 सब एनर्जी लेवल, इसका क्या मीनिंग है, तो आप देखो जरा कि पहला जो अपने पास है एनर्जी लेवल, इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, ठीक है, दूसरे में 2s और 2p, अगर आप देखोगे s में एक ऑर्बिट है और p में जो है वो अपने पास कितने है? 3 है, तो भैया यहाँ पर टोटल जो है वो कितने है? सब एनर्जी लेवल हो गए, टोटल जो है वो 4 सब एनर्जी लेवल एक तरीके से हो गए। अगला है आपको बोला द m एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन, m की बात अगर मैं करूँ तो ये KLM, m का मतलब जो है वो कौन सा हो गया, तीसरा, तो 2n स्क्वायर से देखूंगा तो कितने आएंगे भैया, इसमें केवल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। द 4s सबशेल एनर्जी लेवल इज एट हायर एनर्जी देन द 3d सब एनर्जी लेवल। देखो अगर हम बात करते हैं भैया एनर्जी की, तो n प्लस l रूल के बेसिस पे बताते हैं, तो 4s के लिए आप देखो जरा n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 4, और 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं ना तो हम पहले किस में बढ़ते हैं, 4s में बढ़ते हैं फिर 3d में बढ़ते हैं, तो आपको ये बोल रहा है एनर्जी लेवल इज एट हायर एनर्जी, ना हायर एनर्जी पर थोड़ी है, कम एनर्जी पर है, तो ये भी गलत है,
ये भी गलत है, केवल सेकंड जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन इज, भैया देखो जरा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम कैसे देते हैं, इसको जे एल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये निकालने का तरीका अपने पास होता है अंडर द रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। और जो डी इलेक्ट्रॉन है, डी के लिए एल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, एल इज्कवल टू जीरो वन टू, तो एस पी डी, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, दो होती है। तो दो और एक कितना हो जाएगा, तीन, और ये आ जाएगा कितना, रूट सिक्स एच अपॉन टू पाई, ठीक है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये आपको कह रहा है कि एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर मेड हाफ एंड टू टाइम्स रेस्पेक्टिवली टू देयर एक्चुअल मासेस, देन द एटॉमिक मास ऑफ C12, ठीक है। देखो जरा कि आपको ये बोल रहा है, न्यूट्रॉन का मास तो क्या कर दिया, आधा कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना कर दिया, दुगना कर दिया। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एटॉमिक मास पर इलेक्ट्रॉन के मास का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन का मास जो है वो आधा कर दिया। पहले अपने पास कंडीशन ऐसी थी कि 6 प्रोटॉन अपने पास थे और 6 न्यूट्रॉन अपने पास थे, ठीक है। तो टोटल जो है वो अपने पास कितना हो गया भैया, 12 अपने पास एक तरीके से न्यूक्लियन हो गए, तो 12 न्यूक्लियनों के बराबर मास आएगा। फिर जो है वो न्यूट्रॉन का मास जो है वो आपने कितना कर दिया, ये तो 6 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो पहले से आधा कर दिया, तो 3 कर दिया मान लो, तो जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो 9 आ जाएगा। अब जो है इनमें कितना डिफरेंस है, 25% का डिफरेंस है, यानी कि 25% पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मास विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 का आपको ये बोल रहा है कि भैया द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज, आपको हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी दे रखी है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो एनर्जी आपको पता है एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के, ठीक है, -13.6। तो अब आपको जो है वो फर्स्ट ही पूछा है, तो भैया ये एन की वैल्यू तो जो है वो कितनी होगी, 1 हो गई, तो दोनों में कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई प्रोपोर्शनल आएगा केवल जेड स्क्वायर के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ई1 बाई E2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2 और ये स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जरा कि आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन पूछी हाइड्रोजन में, तो E1 की वैल्यू मान लो आपसे पूछी है, E2 जो है माइनस दिया है 871.6 × 10⁻², ठीक है, इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू 1 और Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यह है कि इसकी 1/4 हो जाएगी, 4 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा कितना, -217.9 × 10⁻²⁰ −20 जूल। तो यह है भैया क्वेश्चन नंबर 59। लास्ट क्वेश्चन अपने पास है भैया क्वेश्चन नंबर 60। देखिएगा आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जम्प्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर ऑर्बिट इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपको इसमें जो है वो ये बोलना चाहता है, क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि हाइड्रोजन अपने पास है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे तो ऊपर से नीचे जंप कर रहे हैं। तो आपको ये बोल रहा है, देखना जरा ध्यान से, कि द थर्ड लाइन यानी जब जंप करें तो तीसरा जंप जो है उसमें रेड कलर की लाइन, रेड एंड ये लिखना, तो रेड कलर की लाइन आपको दिखनी चाहिए। रेड कलर की लाइन दिखने का मतलब तीसरी लाइन जो है ना, तीसरा जंप, उसमें जो फोटोन निकले ना वो विजिबल रीजन का होना चाहिए। तो तीसरा फोटोन निकले और तीसरा फोटोन विजिबल रीजन का हो, तो ऐसा कौन सा जंप हो सकता है, ठीक है। तो देखना 3 से 2 में आएगा, तो 3 से 2 में तो एक ही जंप में आ सकता है, ये तो पहला जंप ही विजिबल रीजन में आ रहा है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, तीसरा जंप विजिबल रीजन में होना चाहिए। 5 से 2, तो भैया 5 से पहले 4 में आया पहला जंप, ये 4 से 3 में दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरा जंप जो है वो विजिबल रीजन में आ रहा है। 4 से 1 में आएगा, तो भैया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा तो विजिबल में थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है। या फिर 2 से 5 में तो नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ तो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, तो कौन सा आंसर होगा भैया, 5 से 2, ठीक है। तो भैया ये था आपके पेपर DCM का पेपर, उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा और सारे क्वेश्चन जो है वो आपके समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में लिखें, और
चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।